जी अच्छा ओके okay. तो वैसे ये सेशन थ्री के सवाल है मैंने इधर फोर पहले पहले से लिख दिया uh... तो इमरान का के दो सवाल हैं व्हेन यू यूज द टर्बो टेक्निक आई गेट टू सी लॉट ऑफ फैट बट मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पाकिस्तानी सेलर्स ये मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में तो आई थिंक उस दिन जाने से पहले मैंने कुछ का जवाब दे दिया था तो उनमें से एक ये था You uh, you you said investment would be to dollars. Are you sure you can find a winning product in this budget and excel in that? Uh, जी बिल्कुल मैं समझता हूँ ये मुमकिन है यू कैन फाइंड प्रोडक्ट इन दिस बट अब वही बात आ जाती है कि chances किस में ज्यादा हैं winning product ढूँढने के ठीक है क्या chances हमारे ज्यादा होते हैं uh, जब हम लोग uh, <coughs> पांच हजार डॉलर लगाते हैं या तीन हजार डॉलर लगाते हैं मतलब मैं चले एक अपने लिहाज से एक बात बताता हूँ मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकता बिकॉज ये साइंस वाली बात हो जाएगी और मुझे बाकायदा करनी पड़ेगी जिसका मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं अगर आपको हाईली लाइकली चांसेस कितने बजट में आपको मिल जाता है पांच सौ डॉलर में बहुत कम चांस है आपको विनिंग प्रोडक्ट मिले लेकिन मिल भी सकता है फिफ्टी फिफ्टी कह सकते हैं पंद्रह सौ से दो हजार मतलब हजार से दो हजार के बीच में आपके चांसेस जो है वो तकरीबन शायद तकरीबन तकेंट बढ़ जाएंगे 65 परसेंट तक चले जाएंगे ठीक है हजार से दो हजार डॉलर के बीच में आ, मेरा ख्याल ये है कि अब जब तीन हजार डॉलर पे जाते हो आप तो फिर आपके तकरीबन 80 परसेंट टू 90 परसेंट के बीच में चांस आ जाता है और फिर पांच डॉलर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको विनिंग प्रोडक्ट ना मिले ये मेरा ख्याल है तो मैंने आप लोग को चांसेस बता दिए हर किसी के साथ क्या क्या है लेकिन फिर वही बात है कि पांच हजार डॉलर इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा इनकम स्ट्रीम लेके इसको ट्रीट कर रहे हैं आप आप इसको एक ऐसी इनकम स्ट्रीम लेके लेके चलना चाह रहे हैं जिसपे जो है मैं अभी किसी सवाल के सवाल का जवाब नहीं दूंगा प्लीज आ, मैं अभी सिर्फ ये जो सवाल लिखे हैं पिछले बार जो मैं चला गया था जल्दी उनके सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं ठीक है तो डिपेंड करता है कि आप इसको इस इनकम स्ट्रीम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं क्या आप इसको एज इस अ प्राइमरी ट्रीट कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीट कर रहे हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है सही है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट इस चीज पे डिपेंड करती है अगर आप बस 500 से 700 डॉलर वाले हैं तो ठीक है आप आप विनिंग प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं उसमें आगे एक स्ट्रेटेजी आएगी बहुत आगे जाके जो मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी आपकी सेल्स निकलती रहेंगी कुछ ना कुछ ठीक है प्लीज सब लोग अपनी वीडियो बंद कर दें बिकॉज़ uh, uh, फिर वो बाकी लोग डिस्टर्ब उससे ठीक है सेशन यू प्रोडक्ट मेथड

I guess probably किसी दिया होगा अहमद मंसूर का है हाउ डज दुकस ये सवाल अहमद uh, अगर अहमद यहाँ पर है आई ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है आपका और निश स्टोर में एक आई I मीन mean, फेसबुक पिक्सेल को चलाने की मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है दैट वुड प्रोबेबली ब्लो योर माइंड ये स्ट्रेटेजी आपने मैं समझता हूँ शायद तीन परसेंट शॉपिफाई स्टोर्स भी दुनिया में नहीं करते होंगे ठीक है uh, बहुत डिटेल्ड है मैं आऊंगा इस पे प्रॉबेबली सिर्फ सोच सोच के मैं ये समझता हूँ उस टेक्निक के ऊपर जब मैं आऊंगा तो आप लोग सोच सोच के जो है न, आ, uh, सिर्फ कि ये क्या हो रहा है मतलब ये वो वाली बात बता रहा हूं मैं <laughs> कि जब तुम लोगों ने पहली बार इंसेप्शन देखी थी आ, जब पहली बार इंटरस्टेलर देखी थी तो काफी लोगों ने काफी चीजें क्लियर नहीं हुई थी तो आप लोग फिर उसको दूसरी तीसरी बार देखी थी आप लोगों ने सब समझ आई जब फेसबुक वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा मैं और पिक्सल कैसे काम करता है जनरल स्टोर पे और एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर पे पीछे वर्किंग क्या होती है और स्टोर स्टोर पे पे या जनरल जब आप लगाओगे अपना तो जनरल स्टोर पे अगर आप जा भी रहे हो तो कैसे आप हाउ कैन यू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट जिस मैं अपने पिछले क्लास जो मेरी जहां पे भी हुई है जहां पे मैंने थोड़ा आप लोगों को तो बहुत डिटेल लेके जा रहा हूँ जिनको मैं बहुत थोड़ा सा मैंने सिर्फ आइडिया दिया है उनके सर में दर्द होने लगता है कि ओके दिस इज एक्चुअली रियली नाइस बट मतलब आ, इसको मुझे फिर देखना पड़ेगा तो मैं आप लोग को बोलूंगा जब वो वाला पार्ट आएगा तो आप लोग मेरी मुझे मैं बीच में से नहीं फिर से आप लोग को बताऊंगा बार बार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरी वीडियो को दो से तीन बार देख लें उस सेक्शन को तो आप लोग को समझ आ जाएगा बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा अच्छा तो सर शॉपिफाई और होलसेल के लिए कितना टाइम चाहिए पर डे के हिसाब से अगेन डिपेंड्स अगर इनकम स्ट्रीम लेके चल रहे हैं रहे हैं हैं और ही डिपेंड कर वो लोग लेके चलते हैं तकरीबन एक दिन में छह घंटे भी देते हैं वो चार घंटे भी देते हैं अगर आपको लगता है कि आपको एज किचन इनकम ट्रीट करना और आपको बस पांच सौ डॉलर लगा निकाल तो आप दिन में डेढ़ घंटे दो घंटा दे दें कभी दो घंटे दे वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम दे दें जिस दिन फ्री हो ज्यादा उस दिन ज्यादा टाइम दे दें नहीं तो आप रोज आप एक घंटा दे दें डेढ़ घंटा दे दें दे दे. अच्छा तो आ, अच्छा सो so, आकिब का सवाल से We can get... तो इसके सवाल को इस सवाल का एक जवाब नहीं है इसके सवाल के दो तीन जवाब है और वो आप लोग समझ आ जाएंगे माई वॉइस इज लैगिंग अच्छा जरा एक मिनट रुकी मैं फिर चेंज करता हूँ कुछ चीज जी अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को सही ठीक है।, है ओके <coughs> तो अब मैं आ जाता हूं उस वाले पार्ट पे जहां पे मैं आप लोग से बोल रहा था कि आकिब ने सवाल करा कि वीडियो कहाँ से पकड़ू मैं फेसबुक एड्स के लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूं आ, ये बहुत डिटेल टॉपिक है इसको मैं बाद में ही कवर करूंगा लेकिन इनिशियली आप वीडियो पहले अपने किसी कॉम्पेटेटर की उठा लें उसके लोगो वगैरह चेंज करवा के काफी लोग बोलेंगे ये तो कॉपीराइट राइट इशू है ये तो है वो तो है फलाना दिमाग का परसेंट एट्टी टू नाइनटी परसेंट जो लोग उठा के चला रहे होते हैं वो सारी प्रोडक्ट वीडियोस किसी की बनाई भी होती हैं या प्रोडक्ट प्रोडक्ट जिसने बनाया होता है उसकी अपनी प्रोवाइड करी भी होती हैं ठीक है आ, अब होता क्या है मैं बताता हूँ <coughs> कोई प्रोडक्ट आपने चलाने गए उसकी प्रोडक्ट वीडियो आपको मिलेगी ड्रॉपशिपिंग अच्छे प्रोडक्ट्स की सबकी वीडियोज अवेलेबल होंगी जो दुनिया के जो नंबर वन ड्रॉपशिपर्स है ना वो भी पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं वो अपने कॉम्पेटिटर्स की वीडियोज उठाते हैं ठीक है थीके? उन वीडियोस को उठाने के बाद उसको थोड़ा सा एडिट करते हैं अब वो एडिट मैं तो खुद कर लेता हूं मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूं लेकिन छोटी मोटी एडिटिंग कर लेता हूं जैसे लोगो हटा के अपना लगा दिया फॉर एग्जाम्पल ये वो सारी चीजें और फिर उस पर रिस्पॉन्स चेक करते हैं वो इनिशियल रिस्पॉन्स चेक करेंगे पहले उस उसपे कुछ बजट लगा के अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ गया फिर उसको वहीं रोक देंगे फिर उसके बाद वो जाएंगे फाइवर पे या याक पे और प्रोडक्ट की सारी वीडियोस और इंडिविजुअल वीडियोस जो भी अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे मतलब फॉर एग्जांपल कोई बात कर रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा है तो उसके कुछ एक क्लिप उठा लिया फिर कहीं उठा लिया फिर कहीं चले गए फिर कहीं चले गए कही उठा उठा के सारी क्लिप्स का एक जोल बनाएंगे उसके बाद वो उसको दे प्रोवाइड करेंगे एक तरीका ये है दूसरा बहुत सारे ऐसे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वीडियो मेकर जो कि आप उनको से प्रोडक्ट बता दो वो बोलते हैं आप बेफिक्र जाए मैं आपको खुद अनप्लेजराइज ओरिजिनल कॉर्न वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा तो आ, हर तरह के लोग हैं जैसे मैंने आपको बताया ठीक है नॉइस अच्छा वैसे मैं आप लोग को एक बात बता दूं किस चीज की बीप नॉइज है अच्छा जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, जी आवाज सही आ रही मेरी अच्छा अगर मेरी आवाज अभी सही आ रही है आप लोग को तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक्चुअली थोड़ा सा चक्कर ये भी है कि मैं मैंने ये फील कर रहा है जब से ये कोरोना वायरस के मसले चल रहे हैं। आई नो आप लोग ने मसला ये फेस करो नहीं करो इंटरनेट की सर्विस जो है वो इतनी अच्छी ही नहीं चल रही आ, मेरे पास घर में चार इंटरनेट कनेक्शन है सब पे मसला आ रहा है और एटलीस्ट एक, एक खास टाइम होता है जिस वक्त जरा ज्यादा मसले आते रहते हैं तो ये मैं बहुत कॉमन देख रहा हूँ अभी से नहीं देख रहा हूँ ये मैं पिछले तकरीबन हफ्ता हो गए और अब मैं श्योर हो गया हूँ कि ये अभी के मसले की वजह से ज्यादा हो रहा है उसका शायद प्रॉबेबली एक बहुत बड़ा रीजन ये है सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सर्वर्स जो हैं उनके ऑफिसेज में रखे हुए होंगे तो उन उनपे जो भी काम हो, करना होता होगा उसके लिए टीम लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी वो सही से मैनेज नहीं कर पा रही होंगी सही है ये सारी चीजें तो इसका एक ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है बहरहाल तो तो मैंने आपको ये बता दिया कि वीडियोस जो हैं वो आप ऐसे हमारे पास फाइबर पे लोग बैठे हुए हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को वो लोग प्लीज आप लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दें uh, मैं वो लोग आप लोग से जो है ना लिंक करवा दूंगा जो कि आप लोग को ओरिजिनल कॉन्टेंट बना के फ्रॉम स्क्रैच आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ठीक है uh, मोहती का नेक्स्ट सवाल है विल यू ऑल्सो लेटेस्ट नो अबाउट एनी प्रोडक्ट कॉपी राइटमेंट यूजिंग कैन गेट स्टोर बैन ये तो मैं बात कर चुका हूँ मैंने आप लोग को एक वेबसाइट भी दी थी कि कॉपीराइट प्रोडक्ट कौन सी होती है पता कैसे लगाया जाता है एक रिवर्स रिवर्स सर्च इंजन था जो मैंने आप लोग जिसपे आप लोग चेक कर सकते हैं कि <clears throat> ये ट्रेडमार्क या कॉपी राइट का कोई इशू है इसपे या नहीं है जो भी सही है आप लोग को सारे दे दिए हैं मैंने आप लोग को तो बकायदा एक स्लाइड ही सिर्फ बल्कि एक बार नहीं दो अलग अलग स्लाइड पे मैंने आप लोग को बताया कि ये सारे एक्सटेंशन ये सारे टूल्स आप लोग को यूज करने प्लीज ये आप लोग अपने पास डाउनलोड करके रख लें आई थिंक मुझसे अग्री भी करेंगे कुछ लोग कितने एक्सटेंशन थे अली एक्सप्रेस को जब मैंने आप लोग को बताए और अपने उस प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान भी मैंने आप लोग को बोला कि देखो ये एक्सटेंशन मैंने तब बोला था ये अगर आप लोग नहीं करा तो जिन्होंने नहीं करा हुआ फिर भी आगे प्रोसीड कर रहा हूँ बेस्ट टूल फॉर फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट कोई एक बेस्ट टूल नहीं है कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है स्ट्रैटेजी वो है अच्छी जो आपके लिए काम कर जाए आप उसी को यूज करो कभी कुछ लोगों का अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है किसी के लिए एक स्ट्रेटेजी आज अच्छा काम कर रही होती है बिकॉज उस पर उसका हाथ साफ हो गया होता है किसी के लिए दूसरी ज्यादा अच्छा काम कर रही होती है आखिरी आज तीन स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और फिर प्रोडक्ट हंटिंग का ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा कभी आगे आया आगे जाके तो सोचेंगे इस बारे में लेकिन फिलहाल ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा Uh, मारो कलीम का सवाल है व्हेन फ्री फ्री प्लस प्लस शिपिंग शिपिंग टेक्निक टेक्निक इज यूज्ड अब नहीं यूज कीजिएगा अगर यूज करें तो एक सेपरेट वेबसाइट पे यूज कीजिएगा जिस पे आप एक ही प्रोडक्ट डालें या सारे प्रोडक्ट फ्री प्लस शिपिंग वाले डाले बिकॉज uh, आप इससे अपने पिक्सल का डाटा सारा खराब करोगे और आप लोग के पास बाकी जो प्रोडक्ट्स कल कल को आप चलाना चाहेंगे उसके ऊपर बहुत uh, ट्रैफिक आएगा साकिब का सवाल है शॉपिंग सम लाइक ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डाइट कैन रिस्ट्रिक्ट लाइक ऑफ प्रोडक्ट लाइक डाइट प्रोटीन मेडिसिन मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ जो भी इंजेस्टिबल्स हैं या फिर खाने वाली वो चीजें कोई भी ऐसी चीजें आप उस प्रोडक्ट्स को मत कीजिए मैं आपको प्रोडक्ट वेलिडेशन के उसमें सेक्शन में बता चुका हूँ इसका कि ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्ट वेलिडेशन के थ्रू जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आपको खुद भी देख के बता सकते हैं अगर वो उसमें उतर रही है कोशिश कीजिए मत करें अनलेस Unless, unless, कि आपको लगता है कि नहीं है, बहुत ज्यादा क्लिक कर रहा है आपको तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिए या किसी और अगर आपके सर्कल में एक्सपर्ट है तो उससे भी राय बिकॉज uh, different... yes, अगर आपके डिफरेंट एक नेश है उसका नाम डॉग है, ने दूसरी नेश है आपकी आई know कंप्यूटर एक्सेसरीज की तो आप नाम सेम डोमेन पे कैसे क्या कर सकते हैं थोड़ा अजीब लगेगा आप बिल्कुल ही कोई फंकी सा नाम रखें तो जा सकता है इसका एक तरीका है लेकिन वो तरीका मैं आप लोग को बाद में आप लोग के पर है, मैं तो नहीं करता ये लेकिन आप लोग के पर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इस तरह कर सकते हो कि किसी को पता नहीं चलेगा लेरिंग हो जाती है एक शॉपोफाइ स्टोर चल रहा होगा आपके डोमेन पे सपोज डोमेन का नाम आपने रख दिया जेनेरिका जैसे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक एक उसका पूरा एक जनरल स्टोर या जो भी मिस स्पेसिफिक स्टोर एक्सपीरियंस होगा उसी के ऊपर आप एक और भी चला रहे होगे उसी के ऊपर आप तीसरी भी चला रहे हो गे जो कस्टमर्स होंगे वो उन तीनों साइड्स को आके नहीं देख पाएंगे वो एक ही उसके ऊपर आएंगे लेकिन आप स्पेसिफिक नेश डू वी नीड सेपरेट शॉप स्टोर यस इफ वी वांट टू सेल डिफरेंट कैटेगरी यस आई एम सीइंग टोटल लोकल एड्स मैं ये वाला बता चुका हूँ करें मैंने ये बैठ बैठ के जो है ना स्टूडेंट्स को ईसी के ऑफिस में दिखाया है अभी कोरोना वायरस के इशू से पहले बाकायदा वो अपने लैपटॉप लेके आए उन्होंने मुझसे बोला कि सर हमसे ये नहीं हो रहा मैंने बोला कोई मसला नहीं आप तो मुझे दो मैं लिया मैंने बकायदा एग्जीक्यूट करा वो गलती कहीं ना कहीं हो रही होती है छोटी सी आप मुझे ये बताएं कि आपके वैलिडेशन जो है जो आपका पिक्सल हेल्पर जो है क्या वो आखिर वैलिडेशन का जो स्टेप है कि ये आपने प्रोडक्ट पूरा टेक्निक आपने सही से एग्जीक्यूट करी या नहीं करी उस वहां पे उस जगह पे क्या प्रोडक्ट और परचेज ट्रिगर इवेंट ट्रिगर हुआ हुआ है और हर वेबसाइट पे होना चाहिए जहां जहां आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सबसे ये सही टेक्निक हो रही है कुछ लोगों से नहीं हो रही तो उनसे कहीं गलती हो रही होती है या उनको ज्यादा बार करना बिकॉज उनकी जो आ, न्यू जो बेसिकली बिहेवियर की जो फीड है वो एक्सटेंसिव गई भी है दूसरे एरियाज में बहुत ज्यादा फेसबुक पे जिसकी वजह से फेसबुक समझता है कि अभी सफिशियंट अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रोवाइड नहीं हुई है कि वो उनको शॉप प्रोफाइल ड्रॉप शिपिंग के एड्स दिखाना शुरू करें ठीक है ओके एज यू नो कोरोना वायरस द सेल्स ऑल ओवर आर इजेक्टिंग सेल्सो एफेक्टिंग ड्रॉप शिपिंग स्टोर लाइक इन आउट ठीक है लेकिन कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं कम प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे कुछ बहुत ज्यादातर लोगों ने रोक दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि वो सही टाइम पे आएंगे आप लोग के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग अभी जस्ट प्ले अराउंड विद द शॉपिफाई स्टोर्स मैं आप लोग को अगर भाइयों वाला सजेशन दू तो दिस इज वॉट आई वुड से जाओ अनफॉर्चुनेटली uh, कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन डॉलर रेट बढ़ा बढ़ गया बहुत ज्यादा 166, 168 पे पहुंच गया है Uh, तकरीबन आठ दस रुपए बढ़ गया, गया। कहने का मकसद क्या है तुम लोग को शॉपिफाई पे एक्सपीरियंस चाहिए और शॉपिफाई स्टोर बनाने का भी एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम लोग एक काम करो <laughs> जो करना चाहते हैं वो शॉपिफाई के फाइवर पे जाके गिग्स खोलें अपवर्क पे खोलें अपनी प्रोफाइल्स बनाएं शॉपिफाई स्टोर्स अपने क्लाइंट्स के लिए बनाओ देखो वो किस तरह की डिशेज मांग रहे हैं, वो क्या चीज उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको क्या पता बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर वो बोलते हैं इन प्रोडक्ट्स के अराउंड शॉपिफाई स्टोर खड़ा कर दो आप लोग जो हो आ, कर लो मतलब आप लो, आप लो, आप लोग 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 उस, तरफ चले जाओ आप लो लोगों के लिए बहुत सारे स्टोर खड़े करके दो एक के बाद एक लेट चेक द रिस्पॉन्स के मतलब कैसा आपका, खुद का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा की अच्छा यार हाथ साफ हो गया चलो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू लॉन्च माई ओन स्टोर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तीन महीने बहुत हैं अपना स्टोर बार बार बना सकते हो चीजें ट्राई कर सकते हो तीन महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन है ठीक है तो आ, या एक मिनट रुकना, ठीक है अच्छा अब ये सेशन फोर हो गया मैं ये सारे सवाल मिटा रहा हूं मैं आप लोग को ये शीट का लिंक फिर से शेयर कर रहा हूं सॉरी Uh, जी ये लीजिए ठीक है लिंक ले लीजिए, सवाल थ्रो करना शुरू कर दीजिएगा uh, मैं आगे हाँ अच्छा अब एक सेशन स्टार्ट मेन uh, उसके ऊपर टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात बता दूं ये मैं एक शीट तैयार कर रहा हूं और अभी मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करा मतलब काम क्या करना स्टार्ट करना है यही सारी उसकी फील्ड्स हैं सही है और वट आई बी डूइंग ओवर इज कि मैं आप लोग का नाम चाहता हूँ इस शीट के ऊपर आप लोग की एनरोलमेंट किस पे है बी सी बी बी सी किस चीज पे है सही है बी बी सी वालों को मेरा शेयर मत कीजिएगा लिंक मैं फिर बता रहा हूँ मैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगा बिकॉज मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली भी सही है मुझे उन रूल्स के से चलना है जो ईसी मुझे प्रोवाइड करेगा आप बीसी में हैं आप आप वन वन में हैं आप इलीट में हैं किस में हैं आप मुझे अपनी एनरोलमेंट लिखनी है सही लिखनी है मैं फिर बता रहा हूं अगर आपकी एनरोलमेंट गलत होगी मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा बिकॉज या अगर आप कोई वीबीसी का है आज इक, इस सेशन में एक इस और बात करना चाहूंगा मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को लेके मैं आप लोग को सेशन के ऊपर गाइड कर रहा था गलती मेरी भी है मेरी भी गलती है मैं अपने अपनी गलती भी इस चीज के ऊपर तस्लीम कर रहा हूँ मैं सेशन दे रहा था आप लोग को तो किसी मैं एक सेकेंड के लिए मेरी जो है ना पासवर्ड और उसकी शीट खोली थी आ, पिछले किसी उसमें और कि, आप लोगों ने उसमें फॉरन से शॉपिफाई के ऊपर लॉग इन भी कर लिया और मैंने उसके जा के पे वगैरह भी देखी थी तो really यहाँ पे सब समझदार लोग हैं बड़ी आ, मैं बोलता हूँ बड़ी आ, अफसोस की बात है ये जिसने भी करा है और आई होप वो यहाँ पे बैठा हुआ वो सुन रहा इस बात को ठीक है चले खैर अः ये तो चलो हो गया तो हो गया गलती मेरी भी है मैं फिर बोल रहा हूँ मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए था लेकिन हुआ ये था कि वो मैं गूगल डॉक्स पे जाना चाह रहा था मैंने यूं करके डॉक लिखा और डॉक लिखते ही मैंने एंटर करा तो वो पहले से जो कैशे में सेव लिंक था वो आ गया वो लिंक बेसिकली मेरी शी, अपनी शीट का था तो वो एक सेकंड के लिए एक सेकेंड लगाए जबकि सिर्फ तो वो उसी सेकंड में किसी ने आराम से दिखा है और ये काम करा है चले बहरहाल वो पासवर्ड वगैरह तो चेंज हो गया लेकिन इससे कुछ मिला नहीं Uh, uh, हैरत तो इस बात पे है कि मतलब करने की जरूरत क्या थी ये तो खैर चले छोड़े uh, चले ये तो हो गया इनकम स्ट्रीम प्रायोरिटी पे आप लोग को अपना नाम लिखना है एनरोलमेंट लिखनी है अगर मुझे पता चला आपके किसी दोस्त ने अपना नाम डाला है ये सोच के अः uh, मैं बेसिकली मैं जो हूँ वीबीसी का हूँ ठीक है uh, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं मतलब आई देखें मुझे मसला नहीं है मैं बीबीसी स्टूडेंट्स को भी ओपनली ओपन कम्युनिटी में हेल्प करना चाहता हूं मुझे कोई इशू नहीं है मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूं लेकिन मुझे जिस चीज के लिए इसी ने हायर कराए और उन्होंने मुझे प्रायोरिटी बताई है मुझे उस प्रायोरिटी के लिहाज से चलना होगा ठीक है मुझे वो प्रायोरिटी रखनी होगी uh, नहीं मैं बता रहा हूं अभी आपको तो uh, एक आई होप यू गाइड गेट दिस्ट ऑफ इट मैं ये नहीं चाहता कोई वन वन का स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट अपने किसी दोस्त के साथ करे और बोले कि अरे यार तुम्हें जो है ना हेल्प मिल जाएगी कॉल आ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये नहीं कह रहा आप लोग ऐसे हो लेकिन कोई आप में ही से था जिसने लाइव सेशन में लॉग इन करा है मैं ये कह रहा हूँ ठीक है इस वजह से मैं ये हाईलाइट करू न ठीक है मैंने अभी इसका लिंक दिया भी नहीं है काशिफ मैंने तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के शीट का लिंक दिया है गाइस प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ कर दो जिन, जिन 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 लोगों ने खोली भी अभी अच्छा, आज प्रायोरिटी के प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सेकंड क्या है और थर्ड क्या है मतलब मैं आपको मतलब बताता हूँ 1 मिनट इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना मेरी स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं शॉपिफाई डीएस लिखा आपने और यहीं पे करके हमने Amazon AMZ एसोस या एफिलिएट एफिलिएट लिख दिया नहीं मुझे एक जगह पे एक चाहिए शॉपिफाई डीएस फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है AMZ एफिलिएट थर्ड प्रायोरिटी क्या है आपकी Kindle ठीक है इस तरह चाहिए मुझे मैं बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे ताकि जिसने शपफाई लिखा हुआ है मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उससे शपफाई की ही बात करूंगा मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा बाकी एरियाज में मैंने ऐसा नहीं कहा मैं ये बोल रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक होके आपसे पहले वो कॉलम मतलब उस एरिया में पहले मैं आपका सक्सेस हासिल करवाने में हेल्प करूंगा आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड फिर जिसने यहां पे एमेजॉन एफिलियेट लिख दिया पहले उसमें तो मैं उससे पहले कोशिश करूंगा उससे उसके एसेट्स बनवाने में हेल्प करूंगा जो भी करूंगा एमेजोन एफिलियट के अंदर सेम गोज फॉर केंडल ठीक है uh, तो दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू गो अबाउट हेल्पिंग एवरी वन ऑफ यू लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं uh, कि यही तरीका मैं अपनाऊंगा मैं इससे अः uh, समझेगा कि मुझे दोनों करना चाह रहा था इसमें हेल्प ही नहीं करेगा हेल्प करूंगा लेकिन पहले मैं आपकी हेल्प आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में करूंगा सही है तो पहले आप एक सक्सेसफुल बना लो उसके बाद मेरी आवाज फिर से इशू कर रही है आई गेस आप लोग के भी यार ये मैं क्या करूं चलें चले तो आई होप ये सही है ठीक है आप लोग अग्री करते हो मुझसे कि मैं इस तरह आप लोग से इनपुट ले लू आप लोग का ठीक है और इनकम गोल मतलब किचन इनकम इनकम है है आपको इसको एज इस प्राइमरी लेके चलना है। हो सकता है कि मैं आपका ये प्रायोरिटी चेंज भी करवा दूर मैं आपसे बोलूं कि नहीं आप इस तरफ और मैं सनी भाई से भी बात कर लूंगा नहीं इससे बेहतर बेहतर है कि आप इसको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कर दें इस वाले को आप सेकंड प्रायोरिटी पे ले जाएं लेकिन इससे आप मैं करवा वही रहा हूं कि आप लोग का पहले 500 डॉलर वाला जो सनी भाई ने बोला है ना कि आप लोग को किचन इनकम की तरफ पहले फोकस करना है ताकि आप लोग का फिर आप लोग पीएल के ऊपर सही से फोकस कर पाओ या जो भी है तो इस वजह से मैं इस पे उस लिहाज से और फिर मैं फॉलोअप भी वैसे ही लूंगा लास्टली एक और बात एड कर मैंने अभी सनी भाई से परमिशन ली है मैं अभी हमीर से भी बात कर लूंगा मैंने ये पूछा उनसे कि भाई क्या मुमकिन है कि आप मुझे तीन प्रोजेक्ट मैनेजर्स दे दें एक, के लिए, एक के लिए, के लिए। ये को नहीं हम मॉनिटरी करेंगे टोटल पे होगा, इसमें आपको एज ये मिलेगा, कि आपको बहुत मिलेगा हाँ मैं चार या छह प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात नहीं रहा मैं एक ही सेलेक्ट करूंगा आप लोग अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि किसकी तरफ आपका इंटरेस्ट है तो वो होगा ये कि मैं उस प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मिल के जैसे डीएस का है तो फिर मैं उसके साथ मिलके जो है ना फिर साइट्स को हम लोग जो है ना करेंगे को करेंगे चीज़ों को फीडबैक लूंगा और वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बेसिस पे होगा फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये आप लोग मुझे मेरे इनबॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं मुझे फेसबुक पर कि भाई मैं इसके लिए जो हूँ एज अ पीएम बनना चाह रहा हूँ और मैं इसमें लेकिन फिर मेरे साथ फिर टाइम लगाने है, और सेशन uh, होंगे जिसमें हम लोग बैठ के फिर बेसिकली आप ही लोगों की और ज्यादा हेल्प हो रही होगी उसी एरिया में तो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ वो भी हेल्प कर रहा होगा ठीक है और दिस गोस फॉर एवरी वन ठीक है एम uh, जी का एक अलग होगा किंडल का एक होगा एक अलग होगा नहीं मैं एक के लिए एक को तीन के लिए अलॉट नहीं करूंगा मैं एक को दो के लिए अलॉट नहीं करूंगा ठीक है तो आई होप नहीं मैं अभी शीट नहीं शेयर कर रहा ये मैं आज रात या कल शेयर करूंगा शीट ठीक है एक बात और बता देता हूँ आप में से काफी लोगों को मैंने बताया था अपने एफ, के सेशन में कि मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ वर्क ब्रेकग्राउंड स्ट्रक्चर वर्क ब्रेकग्राउंड स्ट्रक्चर मैं आप लोग से शॉपिफाई का भी शेयर कर कराऊंगा किंडल का भी शेयर कर रूंगा इट इज अबाउट टाइम कि मैं शॉपिफाई का भी नेक्स्ट सेशन से पहले आप लोग के साथ शेयर कर लू लेकिन वो कल परसों तरसों तक होगा पहले मैं आप लोग को अमेजॉन एफिलेट का दूंगा फिर मैं आप लोग को शाइव डी का दूंगा फिर ऑब्वियसली किंडल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ किंडल के तीन चार सेशन हो जाने के बाद मैं किंडल का दूंगा प्लीज स्टॉप डूडलिंग ऑन द स्क्रीन इसको हटा दें मिटा दें ठीक है सो दिन रुकी जरा पानी पी लो भी अपनी वॉइस वीडियो ऑफ कर दें सब लोग um आई स्टिल हैव टू फॉलो अप किस दिन है वैसे मैंने ही मना करा था जब स्केड्यूल हुआ हुआ था वो थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा बता देंगे अच्छा um चलें ये तो हो गया अब आ जाते हैं इस तरफ यार टेल uh, मी uh, कि ये मैं कैसे ऑफ करूं मुझे कोई बता सकता है इसको ऑफ कैसे करते हैं क्लिक पर क्लिक करें एक बंदा थ्री डॉट्स ठीक है कर दिया उसके बाद पर क्लिक करें मोहम्मद अली मैं तुम्हारी सुन रहा हूं पर क्लिक करें उधर ऑप्शन होंगी अच्छा ओके okay. uh... ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यार अच्छा अच्छा चले अब आगे आ जाते हैं ओके एक मिनट आप लोग की चैट पिंटो सही से प्लेस कर दू ये मैंने आप लोग को करवा दिया था सॉरी लास्ट टाइम मैंने ये वाला करवा दिया था आपसे ठीक है इस पे आ जाते हैं ठीक है प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर एट वॉच काउंट वॉच काउंट ईबे के प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिमांड देखने की साइट है बहुत अच्छी साइट है लुक फॉर हायर वॉच काउंट इफ यू फाइंड अ अबाउ फैक्टर प्रोडक्ट यूज अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज टू फाइंड इट ऑन अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड ऑन ईबे और एमजॉन आर आल्सो लाइकली टू सेल वेल ऑन ड्रॉप शिपिंग एक्सेप्ट दैट दे शुड बी ईजिल अवेलेबल इन स्टोर्स ठीक है मेक श्योर अबाउट दैट वॉच काउंट आप सिर्फ गूगल पे भी लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आपने लिख दिया अब आपने यहाँ से कैटेगरीज चूज करनी है सपोज़ बीबी बेबी हमने सेलेक्ट कर ली मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ सिर्फ अभी ताकि आप लोग देख सके ये क्रिब्स लेट्स सी व्हाट वी हैव ओवर हियर कोई ऐसी चीज जो कि मुझे लगती है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज कोई hmm. अच्छा वैसे सी बात है हायर द वॉचर्स द बेटर ठीक है लेकिन याद रखिएगा वॉचर्स इस बेबी कॉट के भी हैं ये बेबी कॉट में कोई भी वाव wow फैक्टर नहीं है मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ वेलिडेशन स्टेप्स और डेफिनेशन uh, के वाओ wow फैक्टर में या वाओ wow फैक्टर क्या होता है सही है तो विच इज वाई एम जस्ट टेकिंग टाइम टू गो थ्रू फाइंड कि यार चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अभी मुझे अगर नहीं मिलेगा ना अगर मुझे अभी नहीं मिलेगा तब भी मैं कोई आपको एक प्रोडक्ट सर्च करके बता दूंगा कि देखे तरीका ये है अगर आपको मिले तो दिस इज एग्जैक्टली अ विनिंग प्रोडक्ट दो बट मैं इसको खोल के देख रहा हूँ ओके सो एक जमाने में ये विनिंग प्रोडक्ट रह चुका है ये आप देख लिये सुपर सॉफ्ट एयर ड्राइंग क्ले बेबी हैंड प्रिंट फुट प्रिंट एम प्रिंट बेबी के हाथ के और फुट के एम प्रिंट लेने के लिए होता है ताकि आप बाद में इसको याद रखें ऑल दैट ठीक है इनफैक्ट uh, ये वाला है जो ये वाला है जो बहुत मशहूर हुआ था एक टाइम पे काफी ज्यादा लोग इसको खरीद रहे थे और ये विनिंग प्रोडक्ट एक टाइम पर रह चुका है ठीक है आ, तो ये अच्छा एक और चीज होती है मैं आप लोग को बता रहा हूं एक होता है विनिंग प्रोडक्ट वाओ फैक्टर एक होता है इमोशनल फैक्टर सही है इमोशनल फैक्टर भी उतना ही जोर से हिट करता है आ, कस्टमर्स को जैसे कि कोई वाओ फैक्टर या कोई ऐसी चीज होती है कि यार ऐसी चीज तो मैंने पहले देखी ही नहीं है तो ऐसी चीज तो चलो सही है

और आप ये देख सकते हैं इसके सारे सप्लायर्स आ गए आपके सामने ठीक है अच्छा एक चीज में रहा 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 और और आप लोग को बताना चाहूंगा आ, कभी कभी क्या होता है कि अली एक्सप्रेस पे वही प्रोडक्ट डिफरेंट नाम से होती है और प्रोडक्ट स्टोर कहीं और से जो आपसे उठाते हो वो डिफरेंट नाम से बेच रहा होता है जब आप उसको वो जो प्रोडक्ट स्टोर जिस नाम से बेच रहा होता है आप उस नाम से जाके जब अली एक्सप्रेस पे सर्च करते हो तब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता और आप ये सोचते हो कि अरे यार ये शायद ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं है इसका ये रीजन नहीं है आप लोग को मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही प्लीज जिसने भी अभी लिखा है कि क्लियर नहीं है आप अपने एंड पे देख लें आपकी तरफ का बहुत मसला है गेस तो ऐसा बहुत होता है बहुत ज्यादा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट चला रहे होते हो तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपको नजर आ रहे हैं तो इट गोज बाई ए डिफरेंट नेम ऑन अली एक्सप्रेस ठीक है बाकी सप्लायर्स भी उसी नाम से कर रहे होते हैं तो मेक आपको ये सर्च बाय इमेज करने से ना आपको ये पता चल जाता है कि सप्लायर्स ने एक कॉमन नाम क्या रखा हुआ है जिसको देख के आप ये बोलो कि हाँ यार ये इट शुड गो बाय दिस नेम ऑन अली एक्सप्रेस ठीक है बेबी हैंड प्रिंट बेबी हैंड प्रिंट यहाँ पे भी है बेबी हैंड प्रिंट यहाँ पे भी है ठीक है यहाँ पे आई एम आई नॉट टू श्योर हाँ यहाँ पे भी, भी, भी हैंड प्रिंट के नाम से आ रहा है लेकिन ऐसा बहुत कॉमन होता है यहाँ पे नहीं जो न्यूज फीड पे जो आपके पास आ रहा होता है कि आ, किसी और नाम से आ रहा होता है एंड यू गेट कन्फ्यूज ठीक है कि ये शायद प्रोडक्ट है ही नहीं तो हमेशा आ, सर्च बाय एक्सटेंशन यूज कर लो जो मैं आपको बता अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज को यूज कर लो ठीक है ओके एक सेकेंड प्रोडक्ट सर्च मेथड नंबर एट बेस्ट सेलर स्ट्रिंग ठीक है ये एक बेस्ट सेलर स्ट्रिंग है एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट यू कैन गो गोपल मैंने इसकी example दे दी मैं आपको बताता हूँ एक स्ट्रिंग है जो आप यूज करते हो टू आइडेंटिफाई कि इस शॉप की पहले के बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से रह चुके हैं ठीक है लेकिन ये सिर्फ शॉप ऑफ आई थिंक ये सिर्फ शॉपिफाई के साथ काम आता है डोमेन नेम जो भी है .com के बाद ये पूरा आपको स्ट्रिंग कॉपी करना है जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है ठीक है जैसे कि मैंने हाइको शॉप का आपको बोला मैं आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी शॉपिफाई थीम के साथ सही है मैं अह हैं तो अनगिनत तो हैं वैसे तो लेकिन चलिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं क्योंकि ये तो ठीक है ये एक बहुत बड़ा विनिंग प्रोडक्ट रह चुका है अपने टाइम का ठीक है अब तो इसको आई डोंट नो अब ये कितना सेल हो लेकिन ये बहुत अच्छा बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रह चुका है सो so, um, अब यहां हम आ गए एंड uh, आप समझ ही सकते हैं कि मतलब इसने थोड़ा नाम ऐसा रखा हुआ है कि सारे वाउ wow प्रोडक्ट्स सही है मतलब इसने, इसने इस तरह का सा नाम रखा हुआ है आई एम श्योर कि आप लोग समझ ही गए होंगे इसको देख के सुन के तो आपने इसके आगे ये रखा ये पूरा स्ट्रिंग पेस्ट करा जैसे मैंने करा वाउलिश के बाद और आपने एंटर दबा दिया इस प्रोडक्ट के जितने भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने उठ के आ जाएंगे ठीक है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सही है एक बार और करके दिखा देता हूं ये आपके सामने नजर आ रही है मैंने इसके ऊपर क्लिक करा अलग से खोल रहा है मैंने आप लोगों के पास लिंक पेस्ट कर रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना बैक एंड पे कोडिंग करवा के अपनी ये चीज ऑफ करवा देते हैं ताकि आप लोग स्पाइन ना कर पाओ ठीक है आम, ये आप थर्ड पार्टी टूल्स को भी यूज करके कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ये यार मेरे जहन से निकल रहा है जो हम लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे थे एक uh, For, um, एक कौन सा सॉफ्टवेयर था फॉर एक्सटेंशन थी ना आप लोग बता दो मुझे या कॉमर्स इंस्पेक्टर कॉमर्स इंस्पेक्टर में भी आ रहा होता है लेकिन काफी लोग भूल भी जाते हैं इस बात को तो जस्ट रिमेम्बर कि ये स्ट्रिंग आप लोग की हेल्प कर देगा जैसे मैं यहाँ पे पेश करने जा रहा हूँ एंड आई एम होपिंग ये आ जाएगा यहाँ पे भी आ गया ठीक है तो आप लोग ये देख सकते हो एक मिनट रुकिएगा या सो या दैट्स प्रीटी मच इट एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक देर लॉट अदर्स मुझे और भी पता है बहुत सारे लेकिन मुझे मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैंने डाले हुए बहुत सारे आप लोग को और भी जगहों से पता चल जाएंगे मुझे मैंने तकरीबन सारे यूज करे हुए और मैं नई टेक्निक्स देखता रहता हूं द लुक हाउ एवर ये जरूर है कि ये टेक्निक्स मेरी नजर में बेस्ट हैं इनको आप यूज कर सकते हो ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज इनसे मैंने विन प्रोडक्ट्स निकाले भी हैं और कस्टमर्स को क्लाइंट्स को और अपने आप को भी अलग अलग टाइम पे फायदा दिया है अच्छा तो ये इस टेक्निक का नाम है AliExpress Drop Shipping Center. अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ किसी ने मुझसे एक सवाल करा था एक, एक चीज डाउनलोड करने जा रहा हूँ ताकि फिर मैं आप लोगों को दिखा सकूं अली एक्सप्रेस क्रोम एक्सटेंशन कर लें आप लोग अपने पास सही कॉमर्स इंस्पेक्टर भी कर नहीं अली हंटर इट वॉज अली हंटर नहीं आई एम सॉरी एक मिनट रुकिएगा मुझे अपनी स्लाइड में देखना होगा कौन सा नाम था um, एक मिनट रुकिएगा प्लीज मैं जरा चेक कर लू आई थिंक अली इन साइडर था जी यही वाइल अली इन साइडर है अली इंसाइडर भी कर लीजिए ठीक है जरा मैं ये इसको ऑफ कर ओके चलें ओके ये चले हो गया अब मैं एक सेकंड जरा बात करता हूं अभी आप लोग से ठीक है मैं अब जो आप लोग को चीज दिखाने जा रहा हूं वो बहुत मजे की है एंड आई थिंक ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी इन्होंने अपग्रेड वाला सेक्शन जो है ना वो तो कुछ अर्से पहले ही करा कुछ महीनों पहले तो दिस टेक्निक डू एनालाइज सप्लायर्स आप सप्लायर्स की रिलायबिलिटी देख सकते हो उनकी हेल्थ देख सकते हो कितना रिलाय कर सकते हो आप उनकी लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी क्या है सही है और आ, क्या आपको उनको एज अ सप्लायर सेलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप प्रोडक्ट के ट्रेंड्स देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अभी करंट बेसिस पे कितना अच्छा सेल कर रहा है आप ये भी पता लगा सकते हो कि क्या बाकी ड्रॉप शिपर्स अब मतलब तो ये एजम्पन होती है या एस्टिमेट आप कर सकते हो कि क्या बाकी ड्रॉप शिपर्स भी उस सप्लायर को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है अभी बूम कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है अब ऑल नाउ अली एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस इट्स वेरी ओन फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट एंड इट्स एब्सोल्यूटली फ्री ठीक है ये नया वाला सेक्शन है जो उन्होंने दिया है तो सबसे पहले आप लोग अली एक्सप्रेस इन कर लें ठीक है मैं भी कर रहा हूं आप लोग भी कर लें लॉग इन करे बगैर आप नहीं जा सकते इस लिंक पर ठीक है अब मैं आप लोग पहले मेरी स्क्रीन देख लें उसके बाद मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करूंगा अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आम, ये प्रोडक्ट ठीक है अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं सर्च बाय गुड ऑन अली एक्सप्रेस करता हूं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मैं इसके थ्रू ना सिर्फ यह देखता हूं कि क्या यह प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास अली एक्सप्रेस पे एंड बाय व्हाट नेम डज इट गो ऑन अली एक्सप्रेस एक कॉमन नाम और तीसरी चीज एवरेज सप्लायर इसकी जो प्राइस चल रही है वो क्या है आप इससे सप्लायर नहीं सिलेक्ट कर सकते ठीक है सप्लायर मत सेलेक्ट करना इसको यूज करके वजह बताता हूँ सप्लायर की ना रेटिंग पता चल रही है ना लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी पता चल रही है ना और नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल रहे हैं तो आप इसके ऊपर मतलब इन शॉर्ट आपकी ख्वारी है कि आप एक एक प्रोडक्ट को अलग एक एक करके खोलोगे और फिर हर सप्लायर को देखोगे अच्छा इसके रिव्यूज हैं कि नहीं है ओहो इसके रिव्यूज नहीं है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अच्छा इसका प्रोडक्ट जो है वो महंगा है लेकिन इसके पास रिव्यूज हैं नहीं यार ये भी नहीं इस नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे फिर आपको कुछ मिलेगा तो यू नीड टू कट ऑल द बी एस एंड यू हैव टू बी लाइक ताकि आप मैंने आपको बताया सिर्फ तीन रीजन की वजह से मैं इसको एक दो रीजन की वजह से मैं इसको चूज करता हूं अब आपको नाम पता चल गया ठीक है इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्राइंग रैक हैंगर भी बोल रहे हैं लोग रैक भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक क्लोथ्स मैं लिख हूँ इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्राइंग रैक इट गोज इट गोस बाय दिस नेम ठीक है अब मैं इसको जरा अब मैंने इसको कॉपी कर लिया अब चले मैंने अपने पास कर लिया अलियन साइडर और ये तो अब पहले आ जाते हैं लिंक के ऊपर कॉपी करा और मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया डैशबोर्ड पे अब जब मैं डैशबोर्ड पे मैंने पेस्ट करा अभी आप विनिंग प्रोडक्ट्स वाली चीज को भूल जाइए इलेक्ट्रिक एलेक्ट, क्लोथ्स क्लोथ्स ड्राइंग रैक के ऊपर मैंने यहां पे फाइंड करा ये ठीक है अब इसके सारे सप्लायर्स आ जाएंगे मेरे पास आइडियली आप चाहेंगे कि आप इसको इसको या के लिहाज से अरेंज कर दें किसी भी एक चीज के लिहाज से बेस्ट मैच के लिहाज से या ऑर्डर्स के लिहाज से वैसे मेरी आदत यह है कि मैं ऑर्डर्स के लिहाज से करता हूं क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा जिस भी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स पहले से होते हैं ना यूजली वो सप्लायर अच्छा होता है उसके जैसी बात है ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड हुए भी होते हैं उस पर्टिकुलर सप्लायर के एक रीजन ये है दूसरा ये है कि बाकी ड्रॉपशिपर्स भी उसको जो है वो पसंद कर रहे होते हैं जरा एक मिनट रुकिएगा मैं एक चीज और चेक कर लू hmm. यहाँ पे आप देखें 297 मैंने रैक और हैंगर नाम चेंज करे मैंने इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्राइंग रैक से हैंगर कर दिया तो यहाँ पे 297 सोल्ड आ रहा है नंबर वन पे और जब मैंने रैक करा था तो नंबर वन पे आ रहा था विद अच्छा नहीं नंबर वन पे तब भी 297 आ रहा था तो बट ठीक है यू हैव टू ट्राई दिस डिफरेंट कीवर्ड्स जस्ट जस्ट सो यू सी किसी और कीवर्ड के ऊपर कोई और अच्छा सप्लायर तो रैंक नहीं कर रहा तो ऐसी टेस्टिंग थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए ठीक है तो और ऐसा बहुत होता है कि थोड़े से किसी तो इतना तो इतना समझ आ गया अब मेरे पास सारी लिस्ट आ गई आई एम श्योर के हाँ ठीक है यही सही की है जिसके ऊपर मुझे अब चेक करना है कि इसकी अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है नंबर वन प्राइजिंग क्या चल रही है आपके सामने सारे सप्लायर मौजूद है लेकिन अब तीसरा एक इश्यू है मैं एक बात कहता हूं 16 टू 17 या चल नहीं 17 टू 18 तक का ये बेच रहा है ये हैंगर ठीक है नीचे चलते हैं चले कहीं पे देखते हैं कोई इससे सस्ता दे रहा है बिल्कुल लाइक काफी सस्ता तो ये 11 टू अह uh, 22 का दे रहा है अब और भी कोई अगर हो तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी चलें इसको देख लेता है ठीक है तो सबसे पहले हम इसका लिंक कॉपी करा और हमने इसका कॉपी लिंक एड्रेस करके हम गए इधर जो मैं डैशबोर्ड था ड्रॉप शिपिंग सेंटर का डैशबोर्ड फाइन प्रोडक्ट एनालिसिस में गए प्रोडक्ट एनालिसिस में जाने के बाद मैं इस प्रोडक्ट इस सप्लायर का लिंक पोस्ट करूंगा और एनालाइज करूंगा तो ये वो जी इसकी पर, पर डे सेल्स दिखा देगा जीरो है ठीक है इसकी जीरो सेल्स है लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी जीरो के साथ बिलो एवरेज भी है तो मेक सेंस के ना तो आपसे आपको इसका ट्रेंड पता चल रहा है लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी इसकी ओवरऑल वैसे ही बुरी है सही है और मतलब यू डोंट एनी रीजन टू गो सप्लायर ठीक है मैं आपको बेसिकली एक, एक ही पॉइंट से दो तीन एस्पेक्ट से समझा रहा हूं कि सप्लायर सिलेक्शन आपको कैसे करनी है ठीक है और इसी टेक्निक को यूज करके आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन और उसकी डिमांड कैसे देखनी है ठीक है अब आ जाते हैं हमें अभी दे रहा हूं मैं आप, आप लोग मेरी ये वीडियो फिर देख सकते हैं मैं आप लोग अपने अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे फिर आप लोग का वो नजर हट जाएगी तो अभी पहले और एनालाइज करूंगा अब आप देख सकते हैं इसकी ऑन अ गिवन डे वैसे एक बात बताऊं ये जो एकदम जीरो और हंड्रेड और जीरो और हंड्रेड चल रहे ना इसका बहुत बड़ा रीजन कोरोना वायरस इट भी हो सकता है ठीक है एक क्या पता इसकी हंड्रेड की लॉट एक दिन में इसने सोचा हो कि यार मैं आज ही मुका देता हूँ इसने भेज दिया हूँ सारी एक साथ फुलफिलमेंट करने के लिए भेज दिया सही है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसकी जीरो जीरो चल रही थी और गिवन डे एकदम से हंड्रेड है फिर उसके अगले दिन जीरो है फिर उसके अगले दिन फिर से हंड्रेड है ठीक है हम एक प्रोडक्ट और कोई एनालाइज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाए एक मिनट बल्कि दूसरे वेंडर को इसी दूसरे सप्लायर को चेक करते हैं इसकी भी नहीं एक्चुअली पता है एक मेन रीजन ये भी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कॉपी लिंक एड्रेस हाँ और मैं आपको एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को बहुत सारे सप्लायर्स जो है ना वो आ ही नहीं रहे हैं बहुत सारे सप्लायर्स अच्छा एक चीज अब ये तो बहुत ही कॉमन है ना ये तो सबको ही पता है कि ये कितना बिक चुका है ये क्रीजी तरह से अब इसके एक लाख पचास हजार इसके सोल्ड है पहले से ठीक है ऑर्डर्स पे चले जाता हूं मैं तो नंबर वन पे आ गया कोई तकरीबन पांच लाख सोल्ड प्लस इनफैक्ट ठीक है कॉपी लिंक एड्रेस तो आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं ठीक है ये एक प्रॉपर ट्रेंड बता रहे हैं और आपको पता चल बता रहा है कि अभी इसके कितना डिमांड चल रही है या नहीं चल रही है वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा इस सारी चीजों के साथ साथ ठीक है आ, जब आप प्रोडक्ट कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो ना और देखें इसकी लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी आप देख सकते हैं एक्सीलेंट है ठीक है तो इसका मतलब दिस इज सप्लायर दैट यू शुड सेलेक्ट अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो सही है बहरहाल ये मत बेचिएगा बेचना चाहे तो बेच दें इसके भी मैं आप भी आप लोग को एक बात समझाऊंगा इसके साथ साथ ही ये क्योंकि आप प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना टॉपिक आज खत्म हो जाएगा पहली चीज तो ये कि ऐसे विनिंग प्रोडक्ट्स जो बिक चुके हों बहुत क्या हमें अपनी शॉप पे रखने चाहिए क्या हमें इनको प्रमोट करना चाहिए ये दो सवाल है क्या हमें शॉप पे रखने चाहिए और क्या हमें प्रमोट करना चाहिए अगर मैं हूंगा ना मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा लेकिन अपनी शॉप पे रखूंगा अपनी शॉप पे क्यों रखूंगा बिकॉज इसकी इट्स एक जनरल डिमांड हाई है इसकी जनरल डिमांड हाई है ठीक है लेकिन ये अपने पीक पे पहुंच चुका है ओवर सोल्ड हो चुका है ये मतलब ये बेसिकली फॉरेक्स की जमाना है ओवर ओवर बॉट ओवर सोल्ड वाली ना तो ये ओवर बॉट हो चुका है ये आपको बहुत मतलब जिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें उसकी डिमांड जो है ना काफी हद तक रीच हो चुकी है लेकिन बिल्कुल खत्म भी नहीं हुई है बिकॉज ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट आई मीन प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड रेस होती रहेगी विद टाइम ठीक है तो इसको मैं रखूंगा अपने स्टोर पे जनरल स्टोर पे या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिटनेस स्टोर बना रहा हूं और फिटनेस स्टोर में मेरे पास तीन या चार विन, मैंने एक प्रोडक्ट रखा है तो अगर मुझे निश स्पेसिफिक है मेरा फिटनेस स्टोर तो मैं उसमें से एक कोई ऐसी रिलेटेड ठीक वैसे, वैसे, वैसे है ताकि वैसे कि फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, है तो अगर मैं कोई एक चीज रख रह रहा हूं हेल्थ से रिलेटेड तो मैं ये चीज भी उसके साथ रख लूंगा अपने निश में क्यों ताकि अपसेल होने में आसानी हो ठीक है अब सेल में मैं सजेशन में रख दूंगा तो वहां एक अच्छा चांस होगा कि बिक जाए लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को अलग से प्रमोट नहीं आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ओवर हियर ठीक है अच्छा तो आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया अब एक पॉइंट और आ जाए इससे पहले मैं इसको क्लोज करूं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जब आप उनकी डिमांड या आप उसकी Uh, uh, अभी करंट सिचुएशन uh, को एनालाइज करने जाओगे प्रोडक्ट एनालिसिस टूल को यूज करके तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि करंट उसकी जो है ना सिंगल बहुत एक स्ट्रेट सी लाइन चल रही है नॉट जीरो लेकिन नॉर्मल सी डिमांड चल रही है और एकदम से एक स्पाइक आता है और वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचा हुआ होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिमांड की आज रियलाइजेशन हो गई ओहो मतलब वो बिकराया फॉरन से खरीदना शुरू कर दो ऐसा नहीं है होता यह है कि किसी को पता नहीं होता है कि वो विनिंग प्रोडक्ट है और कोई डिटर्मिन कर लेता है और फिर एकदम से बहुत सारे ड्रॉपशिपर्स उस प्रोडक्ट के ऊपर इन करना शुरू कर देते हैं तो अगर आप उसका पास ट्रेंड देखेंगे तो वो बहुत एक नॉर्मल सा चल रहा होगा मतलब सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे हल्का फुल्का चल रहा होगा और एकदम से बहुत बड़ा पीक होगा ऊपर की तरफ लाइक आपको वाजे तौर पे पता चल रहा होगा कि आज किसी ने इसकी ड्रॉप शिपिंग बाकायदा स्टार्ट कर दी है सही है इसका यह वाज फर्क नहीं है यह ऐसा होता है कि अराउंड ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी थर्टी सेल्स चल रही होती हैं और एकदम से हंड्रेड एंड फिफ्टी और टू हंड्रेड पर पहुंच जाता है ठीक है तो इससे भी आपको अंदाजा हो सकता है कि यार इसका मतलब आई थिंक मुझे इसके ऊपर आज जो है कैशन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर मैं भी कुछ इससे कमा सकता हूं ठीक है तो वो बेसिकली इंडिकेटर होता है आपके लिए कि बाकी ने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर कैशन करना आप भी करना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है um, बस आई गेस दैट्स मच इट फॉर द विनिंग प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन वी विल हैड ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज के आपको स्टोर किस तरह का खोलना चाहिए एंड दैट वुड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ जो के फिर होगा की शोपाई स्टोर का मैं आपको यूआई का टूर करवाऊंगा ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया इनशाला नेक्स्ट सेशन से पहले मैं आप लोग को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको सुकून से बैठ के देख लें और फिर आप लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्टली exactly आप लोग को अब क्या क्या प्री रेकड कर देने चाहिए ताकि आप लोग फिर मुझसे फॉलो अप ले लो कि यार अब क्या करना है मुझे मुझे बल्कि इनफैक्ट फॉलो अप की आपको जरूर नहीं पड़ेगी जैसे जैसे मेरा लेक्चर्स खत्म होते रहेंगे आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि अभी आपको क्या करना है ठीक है ओके मिनट अच्छा जी अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर के ऊपर अच्छा मुझे सॉरी इससे पहले टाइप्स ऑफ स्टोर्स पे आए मुझे किसी ने एक सवाल करा था वो बहुत जरूरी है और वो पिछले वाले सेक्शन से रिलेटेड ही है मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या कोई तरीका है आ, कि हम ये देख सकें कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बिक रहा है अली एक्सप्रेस पे कौन सा नहीं बिक रहा है तो उसके दो तरीके हैं मैंने आप लोग को अभी अली साइड इंस्टॉल करवाया ठीक है और अभी उस मेरी बिल्कुल मुझसे गलती हो गई मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया इन्होंने अब ये नया सेक्शन डाला है फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल या फिर अगर मैं बिल्कुल एक उसके बेसिक लिंक के ऊपर आऊं और अब मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करने जा रहा हूं ताकि आप लोग उसको देख लें ये लीजिएगा ठीक है सॉरी फाइंड फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जाए तो यहां पे यू हैव फिल्टर्स यू कैन यूज वट यू वॉन्ट ठीक है मैं असल में ये नया इन्होंने सेक्शन निकाला है पहले ऐसा नहीं था ये चीज पहले ऐसे नहीं थी ये लोग नहीं दे रहे थे ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं कि ये बता देखे कौन बताएगा आपको इससे ज्यादा अली एक्सप्रेस से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपको कौन बताएगा कि ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स अभी इस इसपे इतने चल रहे हैं आप जरा इमेजिन करें मैं बोलना क्या चाह रहा हूं टोटल ऑर्डर्स ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स टोटल कितने चल रहे हैं इससे ज्यादा एक्यूरेट और कौन बताएगा अली एक्सप्रेस से ज़्यादा खुद ठीक है तो मैं आपको बताऊं ये एक नई नई जगह है, ये पहले नहीं बनाई हुई थी इन लोगों ने इन्होंने बनाई है, हैल्फ ठीक है और मैं समझता हूं आप लोग को ये सेक्शन यूज करना चाहिए खेलो इसके साथ जितना खेल सकते हो अब एक और मजेदार बात बताता हूं मैं आप लोग को इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि आप इसमें वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो कि सप्लायर मैं मेरा जो भी सप्लायर दो उसके पास ई पैकेट होना चाहिए ई पैकेट सप्लायर होना मस्ट है वरना मत लेना सप्लायर ई पैकेट सप्लायर होना मस्ट है इसके ऊपर बाद में और बात करूंगा एक्सक्लूसिव ड्रॉप शिपिंग प्राइस भी आपको ऑफर हो सकती है मतलब कोई सप्लायर आपको अपनी जो डिस्प्लेड प्राइस है उससे कम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको देने के लिए तैयार हो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली ये टूल बहुत सारे टूल्स को बीट कर देता है uh, इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे लगता है इसने मार सारे सारे बहुत सारे टूल्स को मार देगा ठीक है straight, straight off, आपने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करी अब सारे सप्लायर्स आपको वो देखेंगे जिन पे वीडियो अभी अवेलेबल है और मुझे पता भी ये मास्क देख के सबकी वैसे ही जो है uh, और आप इस पर अगर म्यूजिक भी सुनेंगे ना ये बिल्कुल टिपिकल वो म्यूजिक है जो आप लोग ड्रॉपशिपिंग वीडियोस में सुनते हो ठीक है सो आई गेस आप लोग को ये एक बेहतरीन चीज पता चल गई है यकीन करें मुझ, मैं आपको ये भी बता दूं इवन अभी बाहर यूएस में भी मुझे नहीं लगता

ये डन हो गया आपका मैंने अभी प्रोवाइड करा है लिंक ड्रॉप शिपिंग सेंटर का इसके इसमें ही है मैं आप लोग को फिर प्रोवाइड कर रहा हूं शिपिंग सेंटर का लिंक ये ले लीजिए और मैं आपको एक और बात बता दूं आपको इन वीडियोस के ऊपर कभी भी बैन नहीं पड़ेगा इसको एडिट भी करा दे तब भी बैन नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सप्लायर प्रोवाइडेड वीडियोस हैं इसमें कोई भी मसला नहीं है इनको यूज करने का ठीक है <laughs> अब आगे आ जाएं वैसे तो ये भी एक जगह है आ, निश फाइंड निश डॉट कॉम ठीक है ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं लेकिन अब इसका फायदा नहीं है एक्चुअली मैं इसको यूज करता था ये एक फ्री टूल है अभी फ्री है लेकिन ये बहुत कुछ अरसे के बाद पेड हो जाएगा ये एक फ्री टूल है और इसको मैं बहुत यूज करता था लेकिन मैं आपको बताऊं इस अली एक्सप्रेस के अपने विनिंग प्रोडक्ट टूल को यूज करने के बाद फाइंड निश आपको इतना खास लगेगा भी नहीं बिकॉज इसने सिंगल हैंडेडली बीट कर दिया मुझे लगता है बहुत, uh, बाकी जो टूल्स हैं, उनको काफी बड़ी हिट भी पड़ेगी अभी तो इसकी अवेयरनेस गई भी नहीं है तो मेक मोस्ट यूज ऑफ इट सही लास्टली अब आ जाए लास्ट पॉइंट के ऊपर आपने सप्लायर सेलेक्शन करनी है आपके आप लोग के पास लिंक इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप लोगों ने लॉग नहीं करा हुआ लॉग तो कर लें आप लोग पहले मेरे पास भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से यहां पर आएगा मेरे पास सॉरी माय बैड मैंने लिंक वाकई गलत प्रोवाइड करा है लेकिन ये ये लिंक लिंक फिकर नहीं करें ये लिंक मेरे पास अपनी इधर बिल्कुल सही है नहीं यार ये तो वही लिंक है नेवर माइंड मैंने शायद आप लोग को गलत लिंक दे दिया ये ले लीजिए मैंने फिर दिया आप लोग को ये वाला सही लिंक है मुझसे गलती हो गई थी ठीक है चले गाइज uh, अब एक और बात अली इन साइडर का क्या काम है ये मैं आप लोग को और बता देता हूं अली इन साइडर ये आप लोग हर प्रोडक्ट सप्ला, हर सप्लायर के प्रोडक्ट के ऊपर देख रहे हो ये एक वो आर है ड्रॉपडाउन आ रहा है इसके ऊपर जब आप फवर करोगे तो आपको ये बता देगा एवरेज डेली सेल्स इस प्रोडक्ट की क्या चल रही है आपको प्रोडक्ट एनालिसिस वाले सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल्स चेंज क्या आया है सिंस लास्ट वन डे और टू थ्री डेज रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है राइजिंग स्टार है के नहीं यूएस e के, के लिए कितना चार्ज कर रहा है या किसी और अगर कोई और आई गेस या यूएस के लिए टोटल कितना चार्ज कर रहा है ई पैकेट शिपिंग लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी क्या है

ओके okay. अब आ जाए टाइप्स ऑफ स्टोर तो कितने टाइप्स ऑफ स्टोर होते हैं हमारे पास हमारे पास तीन टाइप के स्टोर होते हैं जनरल स्टोर निश स्टोर एंड सिंगल प्रोडक्ट स्टोर ठीक है अब कंफ्यूजन है बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं जनरल स्टोर खोलू नहीं सर मैं स्पेसिफिक स्टोर खोलूँ नहीं सर क्या मैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर खोलू इनफैक्ट मेरे पास आई डोंट ऑब्वियसली आप लोग सब सीख रहे हो मैं मैं भी सीखने के ही मोड में हूं बस लेवल्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है इनशाला जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो मैंने फेल हो होके सीखी है तो आप लोग इनशाला उस लेवल पे आने में टाइम नहीं लगाओगे ठीक है um, कोई मेरे पास ऐसा भी आया जिसने बेसिकली मुझसे बोला सर ये निश सही है स्टोर के लिए अब वो निश जो थी वो निश नहीं थी वो जनरल स्टोर की मुझे बता रहा था अगर आप मुझसे ये बोलते हो कि um, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा लेकिन उसने बेसिकली मुझे निश स्पेसिफिक नहीं बताई थी उसने मुझे जनरल स्टोर ही बताया था

आप उसमें नहीं जा सकते आपको निश स्पेसिफिक जाना होगा तो आपको डॉग या कैट सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसेट निश होती है जब आप उसके भी किसी स्पेसिफिक निश के भी कोई स्पेसिफिक निश निश में चले जाते हो दैट इज कॉल्ड सबसेट ठीक है फॉर एग्जाम्पल कॉलर डॉग कॉलर्स और सिर्फ आप डॉग कॉलर्स के अराउंड एक पूरी बनाते हो सही है मैं अभी आप लोग को सब समझा देता हूं कि आप लोग के लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है और आप लोग खुद भी समझ जाओगे कि आप लोग को किस तरफ जाना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टोर क्या है ठीक है इनफैक्ट एडवांटेजेस नहीं बोलूंगा इसमें प्रोज एंड कॉन्स आपको सब नजर आएंगे ठीक है तो जर्नल स्टोर ने स्पेसिफिक स्टोर एंड वन प्रोडक्ट स्टोर ठीक है अब आ जाओ पहले बात कर लेते हैं एक मिनट रखिएगा जरा मैं अपनी चैट विंडो से ही कर रहा हूं जी <laughs> माइक्रोनिश्च भी बोल सकते हैं निश सबसेट भी बोल सकते हैं जो भी बात है मतलब आप लोग बस एक मैं आप लोग को बस एक एक आइडिया देना चाहता जनरल स्टोर में आपके पास सौ से ज्यादा प्रोडक्ट्स रखना जरूरी है अगर आप सौ से ज्यादा अच्छा अब मैं आपको ये भी बता दूं मैं तीनों स्टोर्स के फेवर में हूं लेकिन किस तरह वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे जर्नरल स्टोर जो होता है ना वो बहुत बड़ा स्टोर होता है सौ से ज्यादा प्रोडक्ट्स रखना जरूरी है जब आप जर्नल स्टोर रखते हो भाई एमेजोन क्या है जनरल है ना हर चीज मिल रही है वहां पे मतलब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे जहां पे हर चीज आपको मिल जाए या वहा सुपर स्टोर लेकिन हाँ हा, हम क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम वहां पर सारे वाव प्रोडक्ट्स रखेंगे तो सौ से ज्यादा आपके पास वाव प्रोडक्ट्स होना जरूरी है वो स्टोर जो सुपर स्टोर या मतलब बिल्कुल आउट इन द मार्केट इजिली अवेलेबल ना हो ठीक है सौ से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको ऐसे रखने हैं। तो प्रोडक्ट चॉइस आपकी क्या है वो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट चॉइस प्रोडक्ट्स आप पच्चीस पेंग्स। पेंग्स में चला जा जाते तो, अगर चले जाते हो आप हेलो मेरे ख्याल से मैं, मैं डिसकनेक्ट हो गया था हेलो ओके ठीक है मैं वापस रिपीट कर देता हूं <coughs> एक मिनट रुकिए मैं पहले सब कुछ शेयर भी कर लूँ <coughs> रिकॉर्ड तो हो रहा है ना हाँ अच्छा <coughs> मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ देखें असल में जो निश्च में निश स्पेसिफिक की एक एग्जाम्पल ये हो गई जैसे मैंने डॉग की दी एक एग्जाम्पल हो गई मैं असल में आ, मैंने एक स्टोर खोला था निश आ, निश माइक्रो के ऊपर जो के एक किसी गेम के ऊपर थी जो बहुत ट्रेंड में जा रहा था और उसपे हम लोग ने एक सिंगल मंथ में तीस हजार डॉलर की सेल मारी थी वो मेरा अपना पर्सनल स्टोर था किसी के साथ मिलके काम नहीं कर रहा था मैं तो वो जो स्टोर था वो माइक्रोनिश थी और उसमें हम लोग ने एक ही मत में स्टोर को पूरा जितना हम स्कोर सेल्स स्कोर कर सकते थे हमने करे फिर पिछ, आगे पीछे भी और भी सेल्स हम लोग करी थी लेकिन आ, उसमें टोटल प्रोडक्ट्स जो थी वो हमारी दस थी या पांच थी ठीक है जरा ज्यादा माइक्रो हो गया मतलब आप मैंने ऐसे ने स्पेसिफिक भी देखे जिसमें से पांच प्रोडक्ट्स होती हैं ठीक है थीके? अब तरीका क्या होता है उसका मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं उसका तरीका ये होता है

टूथपेस्ट जो होता है आपको पता होगा चारकोल टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट और उसके अब ब्रशेस भी आने लगे टीथ ब्रश भी आ, टूथ ब्रश भी भी टूथ आने लगे सॉरी तो टूथ ब्रश हो गए और बाकी चारकोल से रिलेटेड चीजें हो गई जो कि आपके बेसिकली हेल्थ के लिए आ, 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 आपके दांतों के लिए अच्छे होते हैं सो एंड सो फोर्थ तो मैंने बेसिकली आ, जो है अ एक सेकेंड हाँ तो बेसिकली मैंने हुआ ये था कि आ, मैंने मैंने अपनी बात नहीं बता रहा हूं मैं किसी और की बात बता रहा हूं तो उसने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे चारकोल से रिलेटेड तो वो टोटल प्रोडक्ट्स कोई पांच थे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आठ होंगे ठीक है so, सो yeah. या ये हो गया आप लोग का स्पेसिफिक वन प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर आ जाता हूं वन प्रोडक्ट स्टोर इट एक्सप्लेनेटरी है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं बस आप लोग वन प्रोडक्ट स्टोर बनाते हो और बस उसके ऊपर आप फोकस करते हो ठीक है प्रोडक्ट रिसर्च अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट नो कि आसिफ ने मुझे बोला है या किसको बोला है लेकिन वैसे ही आसिफ मैं आपको बता देता हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ लेकिन आ, जो ये वाला एक प्रोडक्ट है कुशन जेल कुशन एक प्रोडक्ट है बहुत मशहूर है काफी लोग उसको जो है ना बेसिकली उधर भी लेके जा रहे हैं। uh, पे भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर, आई नो जिसने, मैं अपनी बात फिर भी बता रहा हूं मैं अपनी बात नहीं कह रहा लेकिन उस, उस शख्स ने सिंगल प्रोडक्ट स्टोर खोल के उस गिवन मंथ के अंदर जो है पचपन हजार डॉलर प्रॉफिट की सेल मारी थी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका रेवेन्यू कहाँ गया होगा तो देर आर पीपल जो के कर लेते हैं बहरहाल तो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आ जाते हैं जनरल स्टोर हो गया नॉन नॉन एक्सटेंसिव इसकी वो होती है रिसर्च uh, होती है मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा शुरू के 50 से 60 70 प्रोडक्ट्स आप किसी भी जनरल दूसरे स्टोर से उठाओ और उसको एज इट इज उठा के डाल दो अपने स्टोर के ऊपर ठीक है बाद में नए प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते रहना लेकिन जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या बेस्ट सेलिंग रहे हैं पहली बात बेस्ट सेलिंग रहे हैं दूसरी बात जो अभी काम कर रहे हैं या जो नए वालों के बाद में सोचना उनके ऊपर जो है ना वो पहले से ऐड कर लो जल्दी से और जो आपके कॉम्पिटेटर्स प्रमोट कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ आप आराम से शेयर उठा सकते हो आप भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दो ठीक है मॉडरेट निस्पेसिफिक के ऊपर आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है आपने कोई एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट निकाला उसके ऊपर आपकी रिसर्च ज्यादा होगी एक बार आपने उसके ऊपर रिसर्च कर ली तो आपने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड चार से पांच प्रोडक्ट्स और निकाल लिए और आपने उस निश के अंदर ऐड कर दिए जैसे कि आपको मैंने अभी हैंगर दिखाया था तो आपने क्या करा कि आपने साथ ही साथ कोई आ, तीन से चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए जो के क्लोज़ेट uh, के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे सही है या आपके रूम के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई अगर वो हैंगर खरीदने जा रहा है तो हो सकता है वो उस हैंगर के साथ अप सेल आप करके जो है ना बाकी चीजें भी प्रमोट कर सकते हो ठीक है um, अच्छा नेक्स्ट ये है कि वन प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए होती है और घंटों घंटों की रिसर्च चाहिए होती है ठीक है uh, इस पर आप जितना भी मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की को निकालने के लिए लोग छह छह घंटे आठ आठ नौ नौ घंटे भी लगा रहे होते हैं ठीक है और कुछ लोग सिर्फ तीन घंटे निकाल के भी कर लेते हैं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती इस पे बस आपको बैक एंड फोर्थ बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि यार सप्लायर सही है कि नहीं बैक एंड पे प्रोडक्ट एनालाइजर के थ्रू इसका ट्रेंड क्या निकल रहा है आ, ये प्रोडक्ट इट्स अभी सेचुरेशन पे तो नहीं पहुंचा है मुझसे पहले जितने लोग भी जैसे अभी किसी ने मुझे अभी एक प्रोजेक्टर दिया था बिल्कुल सही है उस शख्स ने हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही रिसर्च करके दिया था एंड ऑफ टू दैट पर्सन जो भी यहाँ पे मेहनत करके कोई भी प्रोडक्ट मुझे लाके दिखा रहे कि उसने कोशिश करी है और इसी तरह से वो सीखने को मिलेगा तो उसने मुझे बताया था प्रोजेक्टर को ही दिखाया था ठीक है और वो प्रोजेक्टर एक्चुअली बहुत अमेजिंग विनिंग प्रोडक्ट है लेकिन सिर्फ मसला ये है कि वो ओवर सोल्ड है सेचुरेशन पे पहुंच चुका है

वन प्रोडक्ट स्टोर पे तभी आपने उसको जनरल स्टोर पे भी कर दिया अब अगर आप स्केल करने पे जाएंगे तो कहां पे सेल्स आपकी ज्यादा होंगी हंड्रेड परसेंट वन प्रोडक्ट स्टोर पे आपकी सबसे ज्यादा होगी सेकंड एंड प्रायोरिटी आपकी फिर में होंगी इसमें हार्डली टेन टू फिफ्टीन परसेंट का फर्क होगा दोनों पे आपकी बहुत अच्छी होंगी सही है अब सेल की वजह से इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन होने के चांसेस ज्यादा होंगे ठीक है स्केलेबिलिटी फिर भी जो है आपकी वन प्रोडक्ट पे ज्यादा होगी जनरल स्टोर अगर वन प्रोडक्ट स्टोर पे आप एक दिन में मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा सा स्पेसिफिक होके मैं ये नहीं कह रहा कि आप दस हजार डॉलर की सेल नहीं मार सकते एक दिन में आप लोग मार सकते हो लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने लोग पहले ट्राई कर चुके हैं और वाकई क्या अभी तक आपने ही डिटर्मिन करा है वो प्रोडक्ट तो फिर तो मतलब आप लोग उसके ऊपर बहुत उससे भी ज्यादा की भी मार सकते हो लेकिन मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ डॉलर की सेल मार है तो दस हजार की पांच हजार डॉलर की मारेगा ठीक है ये दी, ठीक है इंक्रीज इन एवरेज ऑर्डर वैल्यू पोटेंशियल होता है इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एड हुए हुए होते हैं तो अपसेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में रिकमेंड कर देते हो स्पेसिफिक में हैज ह्यूज पोटेंशियल क्योंकि उसी से रिलेटेड आप और भी प्रोडक्ट कर रहे होते हो वन प्रोडक्ट में नॉट एप्लीकेबल होता है अनलेस के के आप कुछ चीजें चेंज करना चाहो अपने ऊपर सर्कल ऑफ पोटेंशियल सर्कल ऑफ पोटेंशियल बायर्स ह्यूज पूल बहुत बड़ा पूल होता है जनरल स्टोर के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग तरह के आपके बायर्स आ जाते हैं मीडियम हाई होता है, है निस्पेसिफिकली और वन प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है कंपटीशन लेवल वेरी हाई जनरल स्टोर के लिए मॉडरेट के लिए और सॉरी इन स्पेसिफिकली मॉडरेट है और वन प्रोडक्ट के लिए लो है वर्क रिक्वायर्ड प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट रिलेटेड काम और सप्लायर्स एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग क्यों क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर ऐड करने हैं यू हैव टू मेक श्योर कि सारे विनिंग प्रोडक्ट्स हैं डज नॉट मैटर के वो सेचुरेशन आ गई है उनके ऊपर ये नहीं आई है लेकिन आपको उठा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालने हैं ताकि वो पॉपुलेटेड लगे जनरल स्टोर अगर पॉपुलेटेड नहीं लगे तो लोग थोड़ा सा शेडी फील करते हैं उसकी तरफ। तरफिक uh, के लिए जो है इजी टू इजी टू अडेप्ट टू ठीक है uh, मतलब एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया आपने दो तीन प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए उसके साथ और उसके अलावा सप्लायर uh, की जहां तक बात आ जाती है तो सप्लायर भी अगर आप ये देखें कि आपको अच्छे क्वालिटी सप्लायर इसके लिए हर आपको एक ही सप्लायर जो है ना ले सपोज आपको पेट के लिए एक बंदा कोई डॉग कॉलर बेच रहा है तो उसकी उसी सप्लायर के पास आप पूछ सकते हो या देख सकते हो कि और भी डॉग से रिलेटेड और चीजें भी होंगी अगर वो अच्छा रिलायबल सप्लायर है तो इसका मतलब वो और चीजों में भी रिलायबिलिटी दिखाएगा तो थोड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो जाता है कि हर प्रोडक्ट अलग है बिल्कुल अलग है तो फिर उसके लिए अलग अलग अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ता है One product के लिए जो है, एक ही सप्लायर आपको चाहिए और एक ही सप्लायर आपको अच्छा मिल गया तो बस you can hook up to him. ठीक है। सॉरी अचीविंग uh, इसके ऊपर हार्ड है ये जो लोग एफिलेट मार्केटिंग पढ़ रहे हैं मुझसे बहुत समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ अथॉरिटी साइट्स वाली बात है इसके अथॉरिटी वाली इसके ऊपर मुश्किल है इसके ऊपर मॉडरेट है कम्पेरेटिवली वेरी इजी कन्वर्जन रेट जो होता है इसका लो होता है लो से मतलब ये नहीं कह रहा मैं कन्वर्जन रेट बुरा होता है लो नि स्पेसिफिक और वन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली लो है वैसे जनरल स्टोर्स में भी बायफिकेशन आ जाती है ये आ जाती है तब जब आप अपना टेम्पलेट चूज करने जा रहे होते हो कि आपका टेम्पलेट कितना अच्छा है कौन सा टेम्पलेट यूज कर रहे हो और वो टेम्पलेट से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है कि वो हाई कन्वर्जन रेट है उस टेम्पलेट का या लो कन्वर्जन रेट है और आपने क्या चीजें यूज करी हुई तो अगर आप सिर्फ जनरल स्टोर में ही उतरना चाह रहे हो तो आपको कंपेयर करना होगा अपने आप को दूसरे जनरल स्टोर से कि आपका कन्वर्जन रेट उनके कंपेयर्ड कैसा है हाई है या लो है तो ये चीज वेरी करती है डेफिनेशन इट सेल्फ स्पेसिफिक में मीडियम हाई एंड वन प्रोडक्ट में ऑब्वियसली हाई होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑल ओवर द प्लेस आप हर जगह मार्केट कर रहे होते हो वेरी टारगेटेड एंड एक्सट्रीमली टारगेटेड ठीक है मैंने को बहुत सारी वर्ड एग्जाम्पल्स दे दी हैं दूसरे लोगों की हाइगो शॉप है इंस्पायर फ्लिट है ग्रैंड डेडो है ग्रैंड एडो है ब्लू क्रेट है फोन बीबी है, है, है. Um, sorry, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे फोन बीबी या uh, सो yeah. so, uh, ये वो basically specific थी तो इस वजह से मैंने इनको यहां से हटा दिया ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो शायद एक दो की मेरे से गलती हो गई है और एक दो आगे पीछे हो गए हो लेकिन दीज आर जो जनरल स्टोर एग्जाम्पल्स हैं, मैं आप लोग को बता दूं फिर से जनरल स्टोर्स भी बुरे नहीं होते लेकिन इनकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है लास्ट तीन साल में इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी लॉन्ग शॉट वाली है जो इसमें जाना चाह रहा है वो जा सकता है लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बजट बात है है निश और उससे ज्यादा चाहिए ठीक तो ये थोड़ी सी आ, इसके लिए बजट आपके लिए आपके पास ज्यादा होना चाहिए कम से कम तीन से पांच हजार डॉलर का ठीक है तब आप इस तरफ आप जाने का सोच सकते हैं चले निस्ट और एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को यहां पे दे दिए हैं ठीक है आप ये देख सकते हैं सेचुअर है ठीक लिल है लिलवैनिटी है तो अगर आप यहां पे देखें तो ये एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट राइट और आप ठीक इसी तरह मैं आप लोग को एक और दिखा देता हूं जो कैट पैक पैक कैट बैक पैक पे आप देख सकते हैं ये भी स्पेसिफिक है यहाँ पे कैट बैक पैक्स रिलेटेड हार्निश हार्निश एंड सप्लाइज अपेरल प्रिंट ऑन डिमांड सब कुछ है यहाँ पे ठीक है एंड uh, यही सारी आपके पास स्पेसिफिक स्टोर मैंने इसको नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं मैं आप लोग को पहले दिखा चुका हूँ अब आ जाए सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर अब सिंगल प्रोडक्ट पे मैंने आपको सिर्फ तीन एक्जाम्पल्स क्यों डाली हुई है सिंगल प्रोडक्ट पे मैंने आपको सिर्फ तीन एक्साम्पल वजह से डाली हुई है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट स्टोर्स आज बनती हैं तीन महीने बाद खत्म हो जाती हैं बंद हो जाती हैं ड्रॉप शिपिंग में वो जब अपना पूरा कर चुकी होती है टेनिओवर लोग बंद कर देते हैं उसको ठीक है आप ये देख सकते हैं तीन है यहाँ पे इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ब्यूटी एंड विल ये खास स्ट्रेटनर है ठीक है और आप इसके ऊपर अभी देख रहे हैं जीन्स प्रमोट कर रहे ये वाली ये पहले नहीं था ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट था होम था ब्यूट कर्ल था ट्रैक माइ ऑर्डर था कॉन्टेक्ट था और frequently asked questions था ट्रू फिट ये अब लेके आया कैटेगरी ये एक प्रोडक्ट है जो आप प्रमोट कर रहे हैं पावर कर्ल की तरफ आ जाए तो आप ये देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है इनका जो स्ट्रेटनर uh, नहीं बोलेंगे इसको बेसिकली पावर कर्लर है ये और ये अब मैं इसी की पहले आप लोग से एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि ये बेसिकली हेयर कर्ल्स के लिए हेल्प करता है और ये एक विनिंग प्रोडक्ट है बहुत मेजर और इसने अच्छा खासा प्रॉब्लली बेच चुका है ठीक है ये सिंगल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है पूरा आप देख ही सकते हो ठीक है ये कोई भी चीज ट्रू फिट था भी नहीं पे ये सिर्फ पावर कल्ट था और बाकी एरिया थे और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है अगर मैं इसके ऊपर जाऊं भी तो सिर्फ पूरे साइड पे आप दो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं पहले सिर्फ ये एक कर रहा था और ये सिंगल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस ही आएगा ठीक है आम... फायर डिफ्यूजर की एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आप लोग को फायर फायर डिफ्यूजर जो है ये भी एक मेजर विनिंग प्रोडक्ट है और आई थिंक ये लेकिन अब मेरा ख्याल है ये सेचुएशन पे आ चुका है आप लोग मुझे पता नहीं इनफैक्ट इसी नहीं बल्कि ये निस्पेसिफिक है नहीं 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 है ये सिंगल प्रोडक्ट ही है ये भी इससे रिलेटेड बाकी चीजें इसके लिए एसेंशियल ऑयल वगैरह प्रोवाइड कर रहे, लेकिन ये सिंगल प्रोडक्ट ही है शॉप के के ऊपर मत जाइए ये असल में इसी को, इसी को प्रमोट कर रहा है ठीक है लेकिन हाँ आप निस्पेसिफिक बना सकते हो अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड आप और एक्सेसरीज प्रोवाइड कर सकते हो तो आप निस्पेसिफिक भी जा सकते हो ठीक है द बैम्बू है द बैम एंड बू एक्चुअली ये प्रोडक्ट जैसे आप देख सकते हैं ये एक टूथब्रश uh, है सही है मेड आउट ऑफ समथिंग और uh, अगर आप इसके ऊपर आए तो ये प्रोडक्ट आपको इजीली जो है मिल जाएगा और आप देख सकते हैं ये वही नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर uh, कहा चला गया आप अगर इसकी मैं जरा एक चीज, एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं ये आप इसका जो डिजाइन है वो भी आप देख सकते हो कि सेम है इसके ऊपर थोड़ा सा फर्क है लेकिन पैकेजिंग ये फिर नेक्स्ट लेवल होता है सप्लायर का जहां पे फिर आप अपने सप्लायर से बात करते हो कि प्लीज आप पैकेजिंग जो है ना वो आप आ, मतलब वो नेक्स्ट लेवल होता है जब आप अच्छे खासे दे रहे होते हैं कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज्ड आपको चीजें करके दे देते हैं पैकेजिंग कस्टमाइज करके दे देंगे आपको ज्यादा कम रेट्स पे ऑफर कर देंगे ज्यादा तेजी से चीजें डिलीवर कर देंगे फोर्टी डेज थर्टी डेज ट्वेंटी डेज की जगह वो आपके कस्टमर्स को सेवन टू टेन डेज के अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड करके दे देंगे मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि वो तब होता है जब आप उस सप्लायर को प्रॉमिस करो किसी और सप्लायर को जो आपको अली एक्सप्रेस पे नहीं मिलेगा अली एक्सप्रेस पे भी मिल जाएगा आप उसको प्रॉमिस करो कि तीस दिन के अंदर प्रोडक्ट सॉरी पर डे मैं आपको थर्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा सेल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो फिर वो सप्लायर जो है ना आपको फिर चीजें कस्टमाइज करके भी देना शुरू कर देता है ठीक है ये मैं अभी इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा ये मैं बाद में आऊंगा इसके ऊपर ठीक है तो दैट्स प्री मच इट वैसे मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो uh, एक मिनट रुकिएगा Uh, कैलाश मैं अभी इस बार में बात करता हूँ आई होप आप लोग ने सवाल लिख लिए होंगे आप लोग ने ठीक है तो नेक्स्ट uh, में मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है शपाफाई uh, का uh, टूअर करवा दूंगा प्लस मैं uh, वैसे मैं चाह रहा था आज हो जाए लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग गया एंड बिकॉज um, एक मिनट रुकेगा यहाँ पे ये रहा हाँ तो ये मुझे इस इसका लेट लोन सिर्फ टूर करवाने में वैसे देर नहीं लगेगी लेकिन मुझे पता है जब मैं के सेक्शन में ऑनलाइन स्टोर में आऊंगा और कुछ और एरियाज में आऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं और ये सारी चीजें तब वहां पे मुझे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और ये सेशन इट सेल्फ सिर्फ और चला जाएगा आप लोग के सवाल हैं इनके मैं जवाब देना स्टार्ट करता हूँ ठीक है Uh, तो ताहिर का सवाल है। डाउन माय वेबसाइट एनी सोल्यूशन आई एम सॉरी मैं समझा नहीं ताहिर आप uh, मैं आपसे ले लेता हूँ सवाल अलग से ठीक डू वी नीड टू साइन ऑन अली एक्सप्रेस अकाउंट यूज ये आप उस सेक्शन में जा सकते हो ओके डू वी नीड टू कीप आर डोमेन नेम तलाल सा सवाल है डू वी नीड टू कीप आर डोमेन नेम जनरल सिंस ओनली वे टू फाइंड प्रोडक्ट इज बाय रनिंग एड्स थिंग so मैं आप लोग को आज एक बार बताना चाहता हूं शॉपिफाई पे ऑफ गोइंग अबाउट जब डोमेन नेम की बात आती है आपका डोमेन नेम तीन महीने पुराना हो तो फिर शॉपिफाई उसको इंटीग्रेट करने देगा अगर आपका डोमेन नेम तीन महीने पुराना नहीं हुआ मतलब या तो वो किसी और ने खरीदा हो और आपके पास ट्रांसफर हो जाए सही है अगर वो बिल्कुल फ्रेश हुआ तो फिर शॉपिफाई बोलेगा कि तीन महीने तक एटलीस्ट जब लास्ट मैंने चेक करा था आप अपना ये डोमेन रजिस्टर नहीं करवा सकते शॉपिफाई पे जब तक इस डोमेन को तीन महीने नहीं हो जाते तो उसका अराउंड क्या है उसका वर्क अराउंड ये है कि आप डायरेक्टली शॉपिफाई के थ्रू खरीद सकते हो डोमेन लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है आ, क्योंकि लास्ट मैंने जिस कस्टमर के लिए पूरा वो बनाया था स्टोर Uh, उससे मेरी बात हुई थी तो उस वक्त भी मैंने जब सर्च करा था तो उस वक्त भी यही बात आई थी आई होप अब ने 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 चेंज कर दिया हो क्योंकि ये चीजें हर वक्त इवॉल्व होती रहती है विद टाइम डोमेन जो है फिर उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी शॉपिफाई की ठीक है तो ये चीज आप लोग को थोड़ी चेक करनी पड़ेगी लेकिन एक बात बताऊं इट रियली ड मैटर शॉपिफाई के अगर आप लोग ये सोचते हो कि डोमेन में बेच दूंगा ये कर दूंगा मुझे नहीं मतलब डोमेन बिल्कुल बेच सकता है बहुत अच्छी प्राइस पे बेच सकता है लेकिन ड्रॉप शिपिंग करके ना डोमेन की वैल्यू कोई छत से नहीं लगती अनलेस के आप कोई बड़ा ब्रांड बन जाओ बन जाओ इसी में जैसे कि इंस्पायर लिफ्ट है ठीक है अच्छा ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ डू बी नीडर डोमेन नेम जनरल मैं समझ गया अभी मैं उस तरफ भी आ रहा था मुझे सवाल याद जब ये चीज याद आ गई थी तो मैं सोचा इसका भी जवाब देता चलू अच्छा तो आपका सवाल यह कि क्या मुझे डोमेन नेम जनरल पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है जब मैं हंटिंग कर रहा मैं बोलूंगा कि आप, आप, आप स्पेसिफिक आप आप या सिंगल प्रोडक्ट होते हो तो आपके रोज रोज और हर तीन दिन के बाद आप ड्रॉपशिपिंग स्टोर बना रहे होते हो विद इन टू टू थ्री डेज विद इन वन डे विद इन टू डेज विद इन थ्री डेज आपको अपना जो है ना ड्रॉपशिपिंग स्टोर बार बार खड़ा करना होगा नए नए नाम से नए नए डोमेन से तो आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आगे पढ़ लेता हूं मैं इफ यू सीटन प्रोडक्ट इज नॉटिकोम ये तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया विद इन दैट लिमिट था तो मैंने आपको बता दिया कि आपको दे, मैं आपको अपना बताता हूँ मैं अगर कोई स्टोर आज खोलने जा रहा हूँ तो मैं आज पहले उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अगर मेरे पास छह प्रोडक्ट्स आए उनमें से वैलिडेशन करके मैंने कोई एक या दो से ही खरीदूंगा। मुझे इस फर्क नहीं पड़ता मेरी, मेरी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा डोमेन ये वो करके मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए डोमेन मैं अपना बता रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए डोमेन सही और उसी के ऊपर मैं काम शुरू कर दूंगा वो उस मैं जितना सेल कर सकता हूंगा मैं करूंगा और फिर उसके बाद मैं स्टोर को बंद कर दूंगा अब वो शपफाई जाने वो डोमेन जाने उन लोगों का मसला है मुझे कुछ उससे फर्क नहीं है क्योंकि जो तेज ड्रॉप होते हैं ना वो इन चीजों इन छोटी छोटी चीजों की एक्चुअली इतनी केयर नहीं करते वो बोलते जल्दी जल्दी काम करना है जल्दी जल्दी स्टोर्स बनाने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स टेस्ट करने और आगे मूव ऑन करना है ठीक है जहां uh, का सवाल है हाउ डू यू नो दैट फॉर हाउ लॉन्ग अलर है प्रोडक्ट वेल वी कांट नो दैट अनलेस वी नो कि वो उसकी पब्लिशिंग डेट क्या थी पहली बार जो कि नहीं दिखाता वो दूसरी बात एक तरीका है आप कमेंट्स में चले जाएं उस एड के ठीक है अगर आपको एड नजर आ गया तो उसके कमेंट्स में चले जाएं उसके कमेंट्स कितने पुराने हैं अगर बहुत नीचे जाना पड़ रहा है वो बता देगा थ्री मंथ्स ओल्ड कमेंट्स लेकिन ये भी हो सकता है कि वो थ्री मंथ्स ओल्ड हो लेकिन उससे पहले वो उसी के और भी तरह के एड्स चला चुका हो तो ये कोई कंफर्म तरीका नहीं है आप ये पता लगा सकते हो कि वो सैचुरेशन पे आए प्रोडक्ट या नहीं अली एक्सप्रेस पे उसके सप्लायर्स का ऑर्डर्स और नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखकर ठीक है और जो आप लोग अभी मैंने टूल बताया है उससे भी आप बता सकते हो कि इसके अभी तक ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर कितने फुलफिल हो चुके हैं उमर का सवाल है सर आपने थ्री मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन की बात वो की वो कैसे या भी कोरोना वायरस की वजह से हुआ हुआ है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं Uh, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे तो मैंने भी जाके देखा था तो कुछ ऐसे ही था लेकिन मैं अभी आई एम नॉट मैं खुद uh, किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहा हूँ उसका uh, वो है स्टोर है तो डजेंट मैटर टू मी कि भाई मैं थ्री मंथ्स वाले उस पर जाऊँ नहीं जाऊँ आप लोग चेक कर लो uh, साकिब का सवाल है इस देर एनी

पे करें, अपने सारे सवाल आप लोग यहीं पर डाल दीजिए आज मोहतम जो है ना बहुत ज्यादा वो अफसोस में चला जाएगा की यार शिट अः ये क्या सीन हो गया सही है लेकिन कोशिश करें यही पे इतने सवाल हो गए ठीक है मैं चले ले ले लेता हूँ चले मैं बता देता हूँ मैं आ, मैं कोई पांच सवाल ले लूंगा मैंने अभी देखा भी नहीं है कितने हैंड रेज हुए हैं। मैं पांच सवाल लूंगा पांच सवाल से एक नहीं ज्यादा लूंगा क्योंकि यहीं पे काफी सवाल आप लोगों ने कर लिये और कुछ रेपटेटिव भी थे मैंने उसको स्किप करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ विच टाइप कोरोना प्रोज एंड कॉन्स ऑन ड्रॉप ड्रॉपशिपिंग कौनस ही कौनस है प्रोज कम है अनलेस के आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि अभी लोगों को घर पे बैठ के जिसकी जरूरत है थोड़ा बैठ के सोचो वो क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ठीक है विच मेथड इज मोर रिलायबल प्रोडक्ट कैटेगरी सारे मेथड्स रिलायबल हैं कोई एक मेथड आई से कि ये वाला मेथड ज्यादा रिलायबल है आप लोग को इसके ऊपर खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी जो मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए हैं कि भाई इस तरह ट्रेंड्स देखते हैं ये देखते हैं वो देखते हैं और क्या बैठ के सोचो कि जो प्रोडक्ट्स आप लोग के सामने आ रहे हैं न्यूज फीड में और दूसरे उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि कस्टमर्स अभी मंगवा रहे होंगे अपने घर पे ठीक है जस्ट सेइंग किचन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मैंने अभी वो uh, देखा था कोई प्रोडक्ट किचन का कि वो uh, सही से मैनेज करने के लिए अपने uh, उसको कैबिनेट्स को, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट था क्योंकि अब लोग बल्क में चीजें मंगवा रहे हैं तो उनको सही से मैनेज करवानी है चीजें लोग बल्क में आइटम्स खरीद रहे हैं ग्रोसरीज खरीद रहे हैं तो उनको मैनेज करने के लिए कैब कैबिनेट्स में सही से मैनेज हो जाए वो चीजें वो चीजें लोग ले रहे हैं सही है तो जस्ट एन एग्जाम्पल ठीक है found these services on Fiverr? एंड डू आई ऑल्सो नीड शप फॉर फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट यू नीड यू वुड एप्सुलूटली नीड फेसबुक विडियो एड्स फॉर ड्रॉपिंग येस बिलकुल सर्विस यू जस्ट हैो ऑन फाइवर एंड राइट डाउन ड्रॉप शिपिंग ये टर्म लिख लो कहीं पे ड्रॉप शिपिंग विडियो यीडियोस येसबुक एड्स या फेसबुक फेसबुक एड्स नहीं फेसबुक फेसबुक वीडियो एड्स एक और दूसरी टर्म है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वीडियोस या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एड्स या ड्रॉप शिपिंग वीडियोस तो तुम लोग के पास भरमार आ जाएगी ऐसे लोगों की जो गिग्स बेच रहे हैं सिर्फ इस निश में जिनके हजार प्लस रिव्यूज है सिर्फ उनको सेलेक्ट करो उनकी रेटिंग एटलीस्ट फाइव स्टार या फोर होनी चाहिए ठीक है ओके कैन यू

के ये प्लीज आप कर दो राइट right? उस्मान अकील हाउ डज अली एक्सप्रेस नो विच ऑर्डर इज ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर एंड विच वन इज बाय रियल कस्टमर आई टेल यू हाउ पहली चीज तो आप ओबेलू को इंटीग्रेट करते हो आम, उसके साथ अपने अली एक्सप्रेस के साथ आई डोंट नो बैक एंड पिन की क्या वर्किंग है मे भी इन लोगों को किसी तरह पता चल जाता होगा कि ओबेलू के थ्रू आए एक बात दूसरी बात आई एम जस्ट इनको पता चल जाता हो पहली चीज अब दूसरी चीज पे आ दूसरी चीज ये बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जब वो शिपिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स करवा रहे होते हैं तो वो नोट में ऑर्डर करते वक्त एक ऑटोमेटेड नोट छोड़ देते हैं कि दिस इज अ ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट प्लीज इस पे अपनी कंपनी का नाम या ये मत लिखना कि ये तुमने अली एक्सप्रेस से भिजवाया है, ये मैं भी करता हूं तो जो सप्लायर है ना वो अपनी का नाम नहीं लिखता वो ये नहीं लिखता कि ये अली एक्सप्रेस से आया है ठीक है तो इस वजह से आपको आराम इस तरह से आसानी से पता चल जाता है मेजोरिटी जो ढंग से लोग ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं ठीक है दिस वॉच काउंट ऑल्सो वर्क द सेम एज माई आई पी Uh, yes, I remember which technique you're talking about. If you're looking for a niche based store, we just typed baby and it showed all the stores related to baby. It shows all the stores related to baby, but not for drop shipping, not for Shopify, just for eBay. Okay? So that is my answer. Uh, MyIP.ms is a different technique. Different hai. Um,

मैं अभी नहीं करूंगा लेकिन अगर आप का एसन देख लेंगे तो आपको ये बात वैसे बताऊंगा इट्स सैचुरेशन पॉइंट और ओनली फाइंड दैट कि आपको पता सिर्फ तब चल सकता है जब आप एड्स के ऊपर कुछ बजट लगाओगे कुछ पैसा खर्च करोगे तो पता चलेगा कि उसका रिस्पांस कैसा चल रहा है ठीक है कुछ वो जब एड्स वाला सेक्शन आएगा आपको कुछ पैसा खर्च करना है पैसा खर्च करे बगैर और टेक्निक आपको डिफरेंट करके लेके चलनी पड़ेगी दूसरी मतलब वीडियो ऐड डिफरेंट होना चाहिए उसका एंगल्स मतलब आपका जो प्रोबेबली जो आ, आप जो अपना मेन बेनिफिट बता रहे हो प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए कोई अगर पोस्टर करेक्टर पे ये बोल रहा है कि यार ये मेरे पास ब्लैक मतलब ये 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 चीजें कर रहा है तो वो उसके बेनिफिट्स के अलावा आप ये बोल सकते हो कि मैं तो इसको तीन कलर्स में दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कलर्स के वाले एस्पेक्ट को आप हाईलाइट करो तो ये लोग यूजली डिफरेंट तरीके से जब एडवर्टाइज कर रहे होते हो तो आपको एक एज मिल जाता है थोड़ा सा और तो आई वुड से ये एक तरीका होता है और प्लस आप जब तक एड्स नहीं चला सकते आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ये कि, कि, किस लेवल पे पहुंच गया है। आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो या आप अली एक्सप्रेस पे जाके उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जाके देख सकते हो। ओके। वर्क सो। एक मिनट रुकना यार। Can यू शेयर द शीट for calculations of the profit of the profit as in मैं थोड़ा समझा नहीं मतलब um, okay so can you share the sheet of मतलब मेरे ख्याल से आप ये बोलना चाह रही हैं कि प्राइजिंग क्या रखनी है if I'm not wrong just do type in the chat yes or no में ताकि मैं समझूं कि मुझे प्राइजिंग क्या रखनी है क्या प्रॉफिट मार्जिन रखने सो आई एम कि यही होगा ओवरऑल प्रॉफिट किस मतलब मैं एक सेकंड मैं आपको ओवर कॉल ले रहा हूं ताकि ये मैं आप मुझे वॉइस पे समझा दे जो सवाल मुझे समझ नहीं आएगा वो मैं आप लोग उस पर आप लोग को ले लिया करूंगा ऑन कॉल

रिकरिंग कोई नहीं होती लेकिन वन टाइम वर्ड प्रेस की होस्टिंग और डोमेन की होती है तो द कॉस्ट दॉ डिफर फॉर ईच पर्सन फ्रॉम केस टू केस आप ये कर सकती हैं आप प्रोडक्ट लेके आए मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट बिकता है तो उस पर आपका ऑन एन एवरेज जो है बल्कि मैं कैलकुलेशन सीट शेयर करता हूं आपने अच्छा बताया मैं कुछ चीजें मैं दिमाग में आई है अगर आप शॉपिफाई के थ्रू करते हैं तो एक hmm. आपकी कैलकुलेशन Uh, कोई कैलकुलेटर या कोई ऐसी चीज मैं आप बता दूंगा कि भैया आप लोग अपने प्रोडक्ट प्राइस हर चीज लिख दें तो आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको एक अंदाजन एक चीज आपके सामने आ जाएगी वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसमें चीजें डिफर कर सकती हैं कि आपकी अप्रोच क्या है स्ट्रेटेजी क्या है कौन से लगे आप लोग यूज कर रहे हैं क्या वो डिफरेंट है जो मैंने बताए हैं सही है तो फिर लेकिन वो एक यू 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 गैस विल गेट द जस्ट ऑफ इट सही बिल्कुल थैंक और अच्छा ओके okay अच्छा तो वट ड फॉर ड्रॉपशिप ठीक है एंड इज देर एनी टू टू एक्सट्रैक्ट अलीस लिस्टिंग टू अर वेबसाइट बिल्कुल है ये मैं आपको तो अभी नहीं बताऊंगा है वो बस इमोजीज के लिए है कुछ लोग अपनी एड कॉपी बनाने के लिए इमोजीज एड करते हैं तो बस इस वजह से जो पिक्सल वही कर देता है आपको मतलब एक क्लिक के ऊपर जो ना आप अपनी फॉरन कर सकते हो जो लोग बार 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 फेसबुक एड्स का काम करेंगे उनको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ओके okay. अली कंसिडरिंग करंट सिनेरियो कैन वी यूज शिप फ्रॉम यूएसएस सॉरी बता चुका हूँ Uh, सर मुझे स्टैब्लिश ऑप्शनिंग स्टोर एस बेस मैं बता चुका हूँ इसका सवाल ये मैं स्किप कर रहा हूँ फाहद आजम हाउ डू फाइंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज इट्स हैजी पॉइंट से भी बता चुका हूँ ओके आई एम सॉरी मैं खास मैं ऊपर आ गया से कैन प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ शपफाई बी यूज फॉर एफिलियट टू प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ शपफाई बी यूज फॉर एफिलू ओके मैं आपको बताता हूं इसका सीन क्या है मुझ, मैंने ये करानी है तो इस वजह से मैं इसके ऊपर अपने कोई इनपुट दे नहीं सकता लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मैंने ये सुना है कि ई कॉम हंट वाले क्या करते हैं कि ई कॉम हंट आपको जो प्रोडक्ट्स दे रहा होता है उसके पीछे एक एफिलिएट लिंक भी होता है ठीक है प्रोडक्ट्स जो अगर आप प्रमोट करते हो अली एक्सप्रेस पे अगर आपके प्रोडक्ट लिंक के थ्रू वो बिकते हैं तो अली एक्सप्रेस आपको उसके ऊपर कमीशन देता है वो कमीशन स्ट्रक्चर क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ट्राई खुद नहीं किया तो लेकिन फिर वही बात है कि आप अपने ही प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करते तो वो गलत है लेकिन आई डोंट मॉडल इसका बिल्कुल डिफरेंट है आप ये कर सकते हो कि आप अपने स्टोर पे नहीं मुझे नहीं पता देखें साफ बात है मैं ये कर चुनी की चुनी की चुनी का। तो मैं कह नहीं सकता हाँ अगर आप इसको बिल्कुल सिर्फ एज एन एफिलियट मॉडल पे लेके चलना चाह रहे हो और आप बोलते हो

वाला मॉडल करता है। ओके, okay. एक माशाल्लाह आज तो बड़ी सवाल आज तो। सवाल सवाल ही अच्छा, हमजा डू यू इंटोर स्ट्रेटजी ऑफ स्टार्टिंग दिस विद वन प्रोडक्ट स्टोर एंड देन कन्वर्टिंग कर सकते हैं आप ये आपका सवाल बहुत अच्छा है इनफैक्ट मतलब मैं ये मैं हूंगा तो मैं करता मतलब चेक करने के लिए स्प्लिट टेस्ट करेंगे सही है आगे आ जाते हैं अबू बकर फर्स्ट क्लास आई टू डेज एडवाइस फॉर मी रिगार्डिंग शॉपिफाई थैंक यू मेरी सारी वीडियोज आप देखें फ्रॉम स्टार्ट आप बीच में से आए आपने ले ली क्लास बहुत अच्छी बात है आप यही वाली क्लास फिर से लीजिएगा पहले शुरू से लेके चले फिर यहाँ पे आइएगा ठीक है आपको सब समझ आ जाएगा अमार

Uh, जब मैं आऊंगा और उनके ऊपर बात करूंगा तो आप लोग को दोनों के बेनिफिट पता चल जाएंगे और दोनों के नुकसान भी पता चल जाएंगे ठीक है तो मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि फेसबुक ज्यादा बेहतर है शॉपिंग हाँ मैं इन दोनों को एक तरह से बराबर का अभी एज uh, दूंगा स्केलेबिलिटी में फेसबुक को मैच दे दूंगा ठीक है किसके थ्रू आप ज्यादा स्केल कर सकते हो अगर uh, चले इस तरह लेट्स टेक वे फेसबुक एड से स्केल कर सकते हो आप ज्यादा गूगल शॉपिंग एड से आप कंसिस्टेंट सेल्स के पर ज्यादा फोकस कर सकते हो

कर रहा हूं कर चुका हूं और मेरे मैं अब नहीं कर रहा लेकिन मैं बहुत ज्यादा कर चुका हूं कम से कम 200 सौ डेढ़ सौ ऑर्डर बेच चुका हूं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं पुराने ठीक है शहजाद का सवाल है एंड ट्राइड ट्राइड द द ओके फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोडक्ट फॉर बट ट्रॉपिंग एड्स आर नॉट अपीयरिंग भी जवाब दे चुका हूं आपको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं इमरान खान वुड माय ओन रनिंग वेबसाइट इंटीग्रेटेड व एडवान्टेज ऑफ इफ यू हैव ओन प्रोडक्ट फिर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं हुई आप शोपाई पर डाल दें वो एक नॉर्मल शोपाई कॉमर्स वेबसाइट हो गई आप उनको बेचे ठीक है मतलब आप आ, लेकिन फिर आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे होबेलू आपने इंटीग्रेट कर रहे हो गे आपको फिर अब ऑर्डर क्वान्टिटी वगैरह ये सारी चीजें खुद से अपडेट करनी पड़ेंगी और आप बिल्कुल कर सकते हो शॉपिफाई इन कामों के लिए भी, भी, भी अच्छा अच्छा है लेकिन मैं, मेरा नहीं, no के आपको कुछ आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है और मुझे याद नहीं आ रहा क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ इतना कर सकते हो या आप अगर एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ये ये चीजें कर सकते हो तो रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो आप करो बिल्कुल आराम से करो और आई थिंक थिंकली मैंने नहीं करा तो मैं बोल नहीं सकता हो गए कुछ uh, इसकी कंडीशन होंगी कि आपको कोई एक ऐप uh, जरूर बनानी है शोपफाई की मे बी मैं सब मे बी वाली बात बोल रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है अगर ऐसा ही होता तो फिर सभी यूज कर रहे होते कुछ तो होगी इसकी uh, वो ओके so, uh, okay, तो सिकंदर का सवाल है कैन वी यूज एमेजोन टू ड्रॉप शिप इंस्टेड ऑफ अली एक्सप्रेस दिस विल रिड्यूस शिपमेंट टाइम मैं तो आपको कोर्स ही ड्रॉप शिपिंग थ्रू शॉपिफाई बता रहा हूं और वो बता रहा हूं मैं एमेजोन तो पढ़ा नहीं रहा तो ये तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट उस तरफ चला गया ठीक है आ, मैंने आज कोई मैंने अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे रख के नहीं चेक करी ठीक है अल्टीमेटली um, वो, वो, आप, वो की ही साइट पे लेके जाएगा ऑटोमेटिकली ओबरलू जैसा कोई सॉफ्टवेयर मैंने नहीं देखा जो ऑटोमेटिकली एमेजोन पे जो है वो सारी फील्ड्स ऑटो अपडेट करता जाए ऑटोमेट करता जाए और ऑटो फिल आउट करता जाए और वो आपकी जो है ऑर्डर प्लेस कर दे ऑटोमेटिकली टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस बताऊंगा मैं आप लोग को जो कि ऑटोमेटिकली सारे फुलफिल करता जाएगा ठीक है तो ये मैंने नहीं देखा टूल और मैं नहीं जानता ये ये एग्जिस्ट करता है ये मेरे दिमाग में भी आया था 2015 में और हमने बहुत सर्च करा था उस वक्त नहीं आया था एंड आई एम श्योर कि ये तरीका नहीं है नहीं तो सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते और आई डोंट नो आई आई डोंट थिंक इस तरह की चीज अमेजोन खुद अलाउ करता है इस वजह से उसने अलाउ भी नहीं करा कि कोई इस तरह करे बहरहाल

पांच हजार रुपए सात हजार रुपए दस हजार रुपये बीस हजार रुपये डिपेंडिंग के स्कोप क्या है का, प्रोडक्ट का तो आपको हाथ ही साफ करना है ना मेरे पास फ्री आते हैं और वो बोलते हैं सर हमें फाइ पे Shopify पे काम करना है लेकिन मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं अभी कि मैं ये आ, अभी क्या करूं ये काम या नहीं करूं समझना मतलब कहने का मकसद ये कि अभी क्या मुझे आ, मैं थोड़ा डरा हुआ रिलेक्टेंट फील कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट मुझे कोई क्लाइंट अपना स्टोर बनाने के लिए दे दे तो मैं उनसे ही बोलता हूं कि भाई तुम को डर है ना तो तुम बाद में और तरीके भी हैं फाइबर का अकाउंट फिर से बनाने के लेकिन अगर तुम सस्ते में तुम तुम बोल रहे हो सर आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आए वो आप मुझे दे दें आप मुझे पैसे कुछ भी ना दें लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी मैं मेरे पास अगर होते हैं तो मैं दे देता हूँ लेकिन अगर नहीं तुम सस्ते में काम कर लो गलती कर लोगे मसला हो जाएगा क्या करेगा फीडबैक ले वो रिफंड ले लेगा क्लाइंट वापस तुम एक ऐसी कोई ट्रायल अकाउंट बना लो किसी और डिवाइस से शुरू हो जाओ या अपने जो इको सिस्टम हमारा माशाला इतना बड़ा है कितने लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं किसी को दे दो एज इस चीज का तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा उनको स्टोर्स बना के दे दो जो ऐसा भी वो चाह रहे हैं ठीक है ऑफर कर लो आप लोग जो लोग बनवाना चाह रहे हैं आप लोग ऑफर कर दें अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है ठीक है तो सो या so, yeah.

होती हो कोई नई इंफॉर्मेशन लेके आ जाए मैं उसके पर रिसर्च करूंगा बिल्कुल मैं आप लोग को भी बता दूंगा कैसे हो रही है कोई मसला नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो चीज जो रोजमर्रा पे लोग कर रहे हैं द थिंग्स दैट आर वर्किंग मैंने आप लोग को बताया था वन थिंग वाली स्ट्रैटेजी वन थिंग दैट वर्क तो मैं उस स्ट्रैटेजी पे आप लोग को लेके चल रहा हूँ मैं आप लोग को उस ट्रैटेजी पे नहीं लेके चल रहा कि यार वो भी चल सकता है तो वो भी ट्राई करके देखें आप लोग क्या पता चल जाए तो आप समझ रहे मेरी बात ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग हाँ मैं भी फुलफिलमेंट वाली बात ही कर रहा हूँ दलाल बहरहाल करना चाहें तो आप लोग बहुत जगहों से भी कर सकते हैं मैं अभी इसी में बैठा हुआ था कुछ अरसे पहले और मैं आतिफ के साथ बैठा हुआ था तो आई सॉ समेबसाइट जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं नॉट थ्रू शॉपिफाई बट एमेजोन में ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से वो तरीके मैंने देखे थे लेकिन मैं आप लोग को वैसे बताना चाहता हाल <sí> कोई <sí> कोई चल भी रहा मेरे से बोली भी कोई भी बात अगर बैकफायर कर गई कल को तो सब शिकायत कर सॉरी आई एम सॉरी पत्नी में क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था uh, मैं बस खत्म कर लेता हूँ uh, बात सही है और फिर मैं बात करता हूँ आप लोग से ओके या सो मैं सॉरी uh, सिकंदर मैं आपके बाकी सवालों का जवाब बाद में दूंगा

डिपेंड्स ऐसी है कि नहीं है एक आई एम सॉरी मैं शेयर कर लेता हूं स्क्रीन डिपेंड्स के ऐसी हुई भी है कि नहीं हुई भी पहली चीज दूसरी चीज एक मिनट रुकिएगा यार चैट क्यों नहीं रही? <coughs> yeah. आ रही या ठीक है दूसरी चीज के कौन सा सवाल था या yeah, डिफरेंट uh, तरीके प्रमोशन के वो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा ठीक है uh, जुनित का सवाल है why we should uh, prefer shopify store over woocommerce ये मैं पहले बात कर चुका हूँ मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ मेरी पूरी एक क्लास इसके ऊपर हुई थी आपकी मर्जी है मैंने सब तो लोगों को अपना वो दिया हुआ है इसके ऊपर से कि भाई आपको woocommerce पे स्टार्ट करना है आप कर लो लेकिन मैंने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पहले डिस्कस कर चुका हूं आल्सो ड्रॉप शिपिंग इज बेटर देन एफिलिएट मार्केटिंग नो वी कैन नॉट से ड्रॉपिंग और एफिलेट इज बैटर इट रियली डिपेंड्स ऑन य अप्रोच कितना अग्रसिवली किस चीज को कैसे लेके चल रहे हो सारे इनकम स्ट्रीम्स के अपने अपने फायदे हैं अमेजॉन का अपना है शोफोफाई का अपना है एफिलियट का अपना है सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं ठीक है अरसलान का सवाल है वाइटर फिर भाई जाहिद का सवाल है कैन कैन यू यू मेक मेक टू टू अकाउंट अकाउंट यूजिंग पाकिस्तान मैं उसके पर एक पोस्ट कर चुका हूँ ग्रुप पे कि टू चेकआउट कैसे बनाना है मैंने उसके पर भी डाले मैं अपने आ, पिछले स्टूडेंट्स के कि उन्होंने किस तरह अपना अकाउंट अप्रूव करवाया काशिफ यूनेस का सवाल है भाई, के लिए, आप बस एक वी उठा सकते हो जो कि आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करे आपका काम होगा स्टोर बनाना या उससे आप ज्यादा काम भी निकलवा सकते हो आपको मुझे नहीं लगता कि एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के लिए ठीक है आ, और सिंगल प्रोडक्ट के लिए बजट कितना रिक्वायर्ड है मतलब मैं ये मेरा कोई वो ठप्पा नहीं लगा हुआ कि मैं ये हूँ जनरल स्टोर के लिए नहीं तीन से पांच हजार डॉलर ही लगेगा मेरे दिमाग में कुछ बैक एंड पे सोच है जिसकी वजह से मैंने बोला है कि तीन पांच हजार डॉलर लगेंगे जनरल स्टोर के साथ आप पांच सौ डॉलर के साथ भी कर सकते हो मैं अभी बोल रहा हूँ तरीकों पे मैं बाद में आऊंगा एड्स कैसे चलाने ये वो ये मैं आपको इस तरह तो नहीं बता सकता ठीक है तो इस वजह से अभी बजट्स के ऊपर बात नहीं करो ये तुम लोग क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एड्स के ऊपर आएंगे ये बजट अपना तुम लोग अपने पास रखो वो मुझसे डिस्कस करना है मेरे पास पांच सौ डॉलर का बजट है मेरे पास पांच हजार डॉलर का बजट है ठीक कर... want... want... है okay. जाती है तो प्लीज मैं इसको तभी मैंने इसको डिलीट कर दिया मैंने इसको बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया जी अच्छा अब आ जाते हैं ये हो गए सवाल मैं

अब उसके अंदर अभी Kindle का सेशन तो हुआ ही नहीं है यानी भी नहीं हुई है है। उसकी। जी। तो obviously, that would be a bit hard के के uh, कौन सा आपको बनाना लास्टली, uh, uh, <coughs> हवाले से कुछ uh, चाहिए, आपके एडवाइजेस चाहिए तो वो प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा फेसबुक के ऊपर अच्छा चलिए ठीक है अच्छा hey, thank वो you regarding you. वाली चीज के ऊपर किंडल वाली चीज के ऊपर ये है कि आप आपको तो टेंटेटिव जवाब देने हैं। इसके ऊपर मैंने बताया ना कि मैं उसको मूव कर लूंगा अगर आपके बाद में थर्ड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है तो वो मैं मूव कर लूंगा उसका मसला नहीं है मैं देख लूंगा उसको सही है बस आप फेसबुक पे रिप्लाई कर दीजिए सही थैंक यू चलो ठीक है ओके ओके ठीक है तलाल का सवाल है जी तलाल आप अपने आप को अनम्यूट कर लें

तो ने जो मेरा, मेरा बनाया वो है, तलाल ये है मुझे देखा कि वो प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं है अब मैं प्रोडक्ट चेंज करता हूँ जब मैं प्रोडक्ट चेंज करूंगा तो मैंने तो डोमेन पहले से ले लिया था तो वो डोमेन तो मेरा बेकार हो गया और मैं रिनेम भी नहीं कर सकता तो अब मैं क्या करूंगा मैं तो फंस जाऊंगा इसके अंदर

फिर उसके ऊपर मैं कुछ और चलाने लगा फिर मैं कुछ और चलाने लगा लेकिन ज्यादा अर्थ उसको ऐसे मत रगड़े ऐसा नहीं कि एक साल गुजर गया और उसके ऊपर जो है पच्चीस तरह के प्रोडक्ट चल चुके हैं अलग 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 क्यों क्योंकि हाँ, जब अगर वो हाँ। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हिट हो जाता है ना तो फिर लोग उसको वैसे ही विजिट करने आते हैं ये सोच के कि यार क्या कोई नई चीज आई है या मैं इसी स्टोर से कुछ और मंगवा लेता हूँ और फिर वो उसका बिल्कुल नया लुक एंड फील देखेंगे तो इस वजह से डोमेन हर बार खरीद

हर चीज खत्म होती है स्प्लिट टेस्टिंग पे आके स्प्लिट टेस्टिंग के थ्रू ही आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे कि क्या चीज काम कर रही है क्या नहीं तो उस उधर ही बजट लगेगा और तो कहीं नहीं लगेगा चलो ठीक है राइट ओके थैंक यू चलो ओके अपने आप को म्यूट कर देना मैं गलती से म्यूट करना भूल गया ठीक ठीक है मैं कर ओके अच्छा जी अब्दुल रहमान सॉरी आपको लास्ट टाइम मैंने कट कर दिया था नो इश्यू सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर uh, आप वन प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि वन प्रोडक्ट में करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि वो हमें लगे इसमें इतनी जान है कि हमें सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टोर बनाना चाहिए सॉरी आप फिर से बताएंगे सॉरी सर जो आप कह रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उस सिंगल प्रोडक्ट में हमारे क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि हमें लगे इस एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें स्टोर बनाना चाहिए अपना विनिंग प्रोडक्ट सारे फैक्टर्स मैंने आग, आग, मैं मेरे सारी क्लासेस ली है आपने जी सर हाँ तो जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस करे वही फैक्टर्स होने चाहिए बता दिया उस पर तो भी चीजें डिटेल में आ रही है फिर मैंने आप लोग वापस जाइए मेरे जो पहला लेक्चर था विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो और फिर क्या प्रोडक्ट वेलिडेशन कैसे करनी है वही सारी चीजों से गुजरते हुए आए और फिर उसके ऊपर आप उसके ऊपर बनाए आप स्टोर बिल्कुल आराम से कोई मसला नहीं ओके सर और सर एड्स की जगह पे हम मतलब एड्स के साथ साथ हम मैनी चैट को भी यूज कर सकते हैं कस्टमर्स को अपने स्टोर पे लाने के लिए 50 परसेंट ऑफ के थ्रू uh, मैं समझा नहीं सॉरी आप ये बोल रहे हैं अच्छा ओके okay, हाँ नहीं आप बिल्कुल कर सकते हो आप हर तरह के एड्स चला सकते हो आप बिल्कुल चलाओ

और सर एक और चीज एक उबलो ने अभी कोर्स इंट्रोड्यूस लर्न फ्रॉम होम के नाम से तो अलाउ नहीं है किसी को जरूरत हो तो फिर अपनी वॉल पे शेयर कर दूंगा फिर वहां से चलो सही सही थैंक यू सो मच हाँ वैसे बाकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है प्लीज आप लोग सब ये कर लीजिएगा जितना भी कोर्स पढ़ो किसी कोई भी कंटेंट पढ़ो वो उतना ही कम है ट्रस्ट मी लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस मैं आप लोग को अपने लिहाज से बता रहा हूं कोई भी दुनिया में आप ये नहीं कह सकते बस वो नंबर वन है सबकी टेक्निक्स चीजों को देखने के डिफरेंट होते हैं मैं एक बंदा आपको मिलेगा एक ही बिजनेस डिफरेंट तरीके से कर रहा होगा दूसरा बंदा मिलेगा वही बिजनेस दूसरे तरीके से कर रहा होगा गलत कोई भी नहीं है दोनों सही है आपको किससे फायदा हो रहा है दोनों की क्या पता दोनों की थोड़ी थोड़ी इनफॉर्मेशन से फायदा हो रहा है या सिर्फ एक की इन्फॉर्मेशन से फायदा हो रहा है तो आप वो अप्लाई करो दूसरा तब भी गलत नहीं है ठीक थैंक यू जी उस्मान भाई वाले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया था एक और था मेरा आपने कहा था कि सिंगल प्रोडक्ट स्टोर जो है ना वो अपनी लाइफ रीच रीच कर कर पाता है, uh, कर जाता है, है? जाता ठीक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज वगैरह में या उसको मिला के आप कह रहे हैं कि कि एक टाइम आता है कि जब वो और नहीं बिकता अच्छा मैं बताता हूँ uh, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे सबको ताकि समझ जाए लोग कुछ चीजें होती हैं जो आप सीखते हो और कुछ चीजें होती हैं जो आपकी विद एक्सपीरियंस आती हैं आप उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मतलब मैं आपको बताता हूँ एक प्रोडक्ट है प्रोजेक्टर अब से फहाद है किसने मुझे लिंक कर था बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है वो दो में पागलों की तरह बिका वो उसके बाद जो उसको प्रमोट करता था ना जिसने प्रमोट करना था कमाना था कमा लिया उसके बाद लोग उसको प्रमोट कर करके थक गए वो नहीं प्रमोट होता था ना वो उस उसपे सेल्स आती थी अच्छा 2018 या 19 में वो प्रोडक्ट ने फिर से अपनी जान पकड़ना स्टार्ट करी और फिर से वो बिका पागलों की तरह और फिर से खत्म हो गया अब मैं बताता हूं होता क्या है। है। एक रीजन है इसका उसके नए बायर्स आ जाते हैं मार्केट में ठीक है मतलब जैसी बात है 2015 में बिका था ना 15 16 17 18 19 चार पांच साल के बाद आप फिर से वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो अगर वो अभी भी मार्केट में कॉमन नहीं है और स्टोर पे नहीं मिल रही है आराम से तो इसका मतलब ये कि चार पांच साल बाद जो 20 साल का लड़का था वो 25 साल का हो गया जो 25 का था वो 30 का हो गया मतलब नए बायर्स आ गए मार्केट में समझ रहे मेरी बात तो फिर से आप प्रमोट करके देख लो कोई मसला नहीं चेक करके देख लो चेक करने में कोई हर्ज नहीं दूसरा तरीका दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करने जा रहे होते हो ना वो बेसिकली आप उसका कैंपेन का एंगल चेंज कर देते हो राइट right. मतलब आपने प्रोडक्ट का एक यूज दिखाया भाई आपने वही यूज अब डिफरेंट परस्पेक्टिव में दिखाना शुरू कर दिया hmm. आप समझ सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं मतलब एक प्रोडक्ट का कोई... करेक्टर वाला इसी एक... तरह काफी काफी डिफरेंट एंगल अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली अब पॉस्टर करेक्टर में एक तो ये चले कि भाई आप कर... एक अब आप एंगल्स देखो निश टारगेटिंग देखो एक तरीका आपने बोल दिया आपने पूरी वीडियो चलाई मैं बताता हूं मैं आपको दो तीन तरीके खुद बता देता हूं आपने ऐसे लोगों को बोल दिया है कि भाई तीस के बाद आपका पॉस्चर खराब होना शुरू हो जाता है थोड़ा जनरल हो गया ये तो ये हर किसी के लिए टारगेटेड है एक दूसरा ये हो गया कि आप कंप्यूटर अब दूसरा ये हो गया कि आप कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा बैठते हो जो लोग कंप्यूटर पर ज्यादा बैठते हैं उनके लिए पॉस्चर करेक्टर जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है कि उनका पॉस्चर सबसे तेजी से खराब होता है और उनको लेट एज में इश्यूज होते हैं एक एक, एक एंगल ये हो गया तो एंगल सिर्फ चेंज करने से भी ना आपका जो है वो पूरी मार्केटिंग क्या एक्जेक्टली exactly, आप और एट टाइम्स तो बहुत ज्यादा भी निकाल सकते हैं तो ये बेसिकली बताना चाह रहा हूं मैं फिर एक टाइम आता है कि वो प्रोडक्ट बेसिकली Amazon का आ जाता है ठीक है तो वो फिर खत्म हो जाते राइट लोग पहली जगह वहां पे जाते हैं सर्च करने के लिए और ये हाँ exactly, ये तो हो, ये भी होता है और ये भी बता दू मैं बहुत बार वो प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल रहा होता है लोग तब भी, लोग तब तब भी भी पे जाके नहीं सर्च, सर्च करते और ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट से खरीद रहे होते हैं मतलब मैं ये नहीं बोला उसमें से अभी भी मैं बोल रहा हूँ पांच में से तीन लोग जाके या चार लोग जाके अमेजोन से ही खरीदेंगे लेकिन एक बंदा जो है ना वो शॉपिफाई से खरीद लेगा क्योंकि उसके जेब में पैसा बहुत होगा वो थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेट करेगा वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा कहीं पर सर्च मैं यहीं से खरीद लेता हूं वो वाली ठीक right, right, है बस एक क्वेश्चन था थैंक यू सो मच नो प्रॉब्लम अच्छा ये मेरा आखिरी सवाल है प्लीज बल्कि यार दो ही और हैं प्लीज और कोई सेंटेंस नहीं कह रहे मैं नहीं लूंगा जी अरसलान अस्सलाम मान मोहित भाई आपने जो अभी तरीका बताया था तो एक खोल के बैठा हुआ था और एक प्रोडक्ट मेरे सामने थी उसका ग्राफ एकदम शूट हुआ है इसी मंथ में और वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है तो क्या okay. इस तरह के प्रोडक्ट वायबल होते हैं जो अमेजोन पे अवेलेबल हो और वो अलीस पे भी सही बिके बिल्कुल होते होते हैं हैं बिल्कुल वायबल जी सॉरी ये बोलिएगा आप आप अपनी बात जी जी वायबल होते हैं क्योंकि मैंने जैसा बताया ना कि ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन है देखें मैं आपको बताता हूँ यूएस वालों के पास बाइंग पावर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है तीस डॉलर उनके लिए मैटर करते हैं लेकिन आपके लिए एक्सट्रीम पे ज्यादा मैटर करेंगे तीस डॉलर की यहां पे लोग नेटफ्लिक मतलब नेटफ्लिक्स की जो भी सब्सक्रिप्शन चल रही है पंद्रह डॉलर बीस डॉलर आई डोंट नो एक्सैक्टली लेकिन बीस डॉलर की नेट ने, अगर पंद्रह बीस डॉलर भी चल रही है तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप चार बार सोचेंगे लेकिन यूएस वाला बंदा बोलेगा ये तो कुछ है ही नहीं ये तो लेना ही लेना है सही है तो वो वाली बात आ जाती है तो उनके लिए वो वैल्यू ना कोई मैटर नहीं करती इतनी पंद्रह डॉलर से लेके पैंतीस डॉलर तक के चालीस डॉलर के बीच में वो बोलते हैं अरे खैर है यार मतलब चेक कर लेंगे प्रोडक्ट खराब होगी तो हम बैड रिव्यू दे देंगे या बस बोल देंगे मार्केट में इधर चक्कर ये होता है कि अमेजोन पे आपका बैड रिव्यू चला जाए तो मैं मेरा ख्याल है मुझे फिर मैं बता रहा हूँ भाई मुझे इधर का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको एकदम हाँ और दिल पे ही लग जाती है आपके क्या भाई यार ये क्यों आ गया

प्रोडक्ट आप उसको बोलते हो आप दो चीजें दो चीजें हम लोग क्या करते थे हम बोलते थे प्रोडक्ट जिस एड्रेस पे आया तो था उस पर आप वापस भेज दो नहीं होता सबसे कॉमन तरीका जो है वो ये कि आप प्रोडक्ट रखो आप अपने पैसे भी लो तीसरा तरीका ये जो हम करते थे आप प्रोडक्ट रखो आप आप प्रोडक्ट रखो पैसे भी रखो डैमेज था प्रोडक्ट है ना लेट्स सपोज डैमेज प्रोडक्ट था हम आपको एक और प्रोडक्ट दे रहे हैं बिल्कुल सही कंडीशन में आप ये भी रखो हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है

तीन से वन प्रोडक्ट स्टोर्स बनाओ और सबको स्प्लिट टेस्ट कर लो एक साथ दो भी कर चलो दो या तीन कर लो चलो चार नहीं करो दो से तीन लेके चलो अगर जनरल स्टोर बना रहे हो तो सिंपल भाई एक ही तुम लोग के पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं करते, करते ही चले जाओ करते ही चले जाओ जहां पर रिस्पॉन्स बस आप मैं वही बोल रहा हूँ वो डिपेंड करता है ना अगर जनरल पर हो तो हाई होगा क्योंकि तुम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ लेके चल रहे हो और स्प्लिट टेस्टिंग कर करोगे वेयर एज अगर तुम सिंगल पे चले जाओ तो तुमने हंट तो बहुत सारी करी लेकिन तुमने बोला तीन के ऊपर पहले मैं प्रोडक्ट मतलब बजट लगाऊंगा हर प्रोडक्ट के ऊपर 500 डॉलर तक का रख लो सही है ऐसे ही मतलब अराउंड दोस अलोंग दोस लाइंस फिर उसके ऊपर लेके चल लो थैंक यू सो मच देन बाय अच्छा ओके okay. प्लीज uh, uh, अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा मैंने गलती से हैंड आपका वो कर दिया लोअर हैंड कर दिया देखना पड़ेगा ओके थैंक यू जी जासिम एक मिनट हो

आम, आप शॉपिफाई स्टोर फ्लिप कर सकते हो लेकिन आपकी से बहुत बड़ी होनी चाहिए जैसे इंस्पायर अपलिफ्ट की है जैसे हाईगो शॉप की है और जैसे जो स्टोर्स मैंने आप लोगों बताए हुए हैं ना आज की स्लाइड में जनरल स्टोर में जैसे अगर वैसा स्टोर है आपका तो आपकी डिमांड है एक्चुअली और आप उसको फ्लिप करके अच्छे खासे पैसे बना लोगे ठीक है लेकिन शॉपफाई को आई I मीन mean, अगर आपका स्टोर प्रॉफिटेबल सिंगल स्टोर पे तो फायदा नहीं जनरल स्टोर पे फायदा है देखिए सिंगल स्टोर आपने जितना जूस निकालना था निकाल दिया अब आप बेचने जा रहे हो जो खरीदने वाले हैं उसको बहुत बड़ा बेवकूफ होना चाहिए कि वो खरीद ले सपोज आपने हेयर कलर के ऊपर कर लिया जब ये दिखाया था अब आप, आपने जितना बेचना था बेच दिया आपने बोला भाई मैं बेच रहा हूँ ये किसी को लेना है अब आप वो आपकी पहले की सेल्स तो देख सकता है वो बोला अरे यार इसकी तो सेल्स बड़ी ज्यादा हो रही है लेकिन आपने तो जूस जो निकालना था निकाल दिया ना आपने तो अब वो खरीदेगा भी तो क्या कितने दिन और कमा लेगा The end हो गया उसके लिए। general store आप फ्लिप करो आपको फायदा हो सकता है लेकिन जनरल स्टोर एक लंबे तवील अरसे तक एटलीस्ट एक साल से ऊपर तक चलाओ कम से कम दो साल डेढ़ साल चलाओ ताकि उसके बाद आप फ्लिप करो तो लोगों को उसका नाम पता हो। मैं आपको बताऊं मेरा एक, आ, हमारा एक स्टोर था Uh, मैं और मेरे दो और बेस्ट फ्रेंड्स थे जो हम लोग ने मिलके खोला था उसकी ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी के अंदर लोग नाम लेकर भी बात करते थे लेकिन अब इधर एक और मैं बताता हूँ बात नाम लेकर बात करते थे लेकिन वो तब भी स्टोर नहीं बिका क्योंकि ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के ना थोड़े से मसले होते हैं लोग इसको एसेट के मामले में खरीदने पे थोड़े से कतराते हैं क्यों क्योंकि उनको उसकी बैक एंड की नहीं पता होते कितने फीडबैक पे उसको गालियां पाड़ी हैं कितने डैमेज प्रोडक्ट्स गए हैं क्या नहीं गया क्या गए क्यों क्योंकि जो रिव्यूज होते हैं वह आपके हाथ में होते हैं ये बात अभी आपको समझ आएगी मैं जब बताऊंगा जितने भी ड्रॉपशिपिंग स्टोर पे रिव्यूज होते हैं ना वो होते जेनुइन है लेकिन ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पॉजिटिव वाले दिखाओ फाइव स्टार वाले दिखाओ फोर स्टार वाले दिखाओ या वन स्टार वाले दिखाओ अब कौन बेवकूफ होगा जो वन थ्री और फोर स्टार वाले दिखाएगा आप तो ये बोलोगे ना मुझे तो सारे फाइव स्टार वाले दिखाने ये तो इस वजह से जी इस... बोले आप मेरे पास यही था अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये जो फेसबुक की एड्स हैं और स्प्लिट टेस्टिंग है ये कब तक ये हम एक्सपेक्ट करेंगे ये हमारा सेशन शुरू हो जाएगा और हम अपना स्टोर लॉन्च कर लेंगे आई एम सॉरी कैन यू कम अगेन मैं ये कह रहा था कि स्प्लिट टेस्टिंग फेसबुक एड्स ये लेक्चर कब तक एक्सपेक्टेड है कि हम अपना शॉपिफाई का स्टोर लॉन्च कर सकें Um, मैं डब्लू बी एस दे दू और आप लोग को मुझे जो मेन मेन सबसे मोटी मोटी चीजें मैं बता देता तो कौन कौन सी चीजें रह गई को इंपोर्ट करना है और कैसे yeah. आ, ये तो हो गया पूरा मतलब आपको आप लोग को सिखाने सिंगल प्रोडक्ट स्टोर कैसे बनाते हैं और जनरल स्टोर कैसे बनाते हैं उसका एक थोड़ा आइडिया दे दूंगा मैं एट द सेम टाइम मैं आप लोग को जो है फिर उसके फौरन बाद आप लोगों को गूगल एड्स और फेसबुक एड्स सिखाना है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है वो सिखानी है ठीक है या आई गेस ये मेन चीजें हो जाए ना तीन तो उसके बाद आप लोग अपना प्रॉपर्ली स्टोर लॉन्च कर सकते हो सही मतलब स्टोर नहीं। तो रेडी साथ साथ कर सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग शुरू हो गई होगी आप लोग की या नहीं भी हुई तो आप करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन मेरा शॉप के ऊपर है तो शॉप के ऊपर फिर आप लोग कंफर्म अपनी शॉप खड़ी कर सकते हो ये तो मैं बता सकता हूँ फ्री थीम के ऊपर टाइम है ना तीन महीने का फ्री थीम के ऊपर अपनी शॉप खड़ी कर सकते हो ठीक है फिर आ जाओ तीसरे पार्ट के ऊपर एड्स क्या प्रमोट करना स्टार्ट करना चाहिए चले उसका मैं कोई एक आसान तरीका बता दूंगा या कोई तो थोड़ा बहुत बता दूंगा लेकिन डिटेल फिर उसका नेक्स्ट सेशन फेसबुक एड्स के मुझे लगता है बहुत आराम से फेसबुक एड्स के हो सकता है दो सेशन जाएं Uh, हो सकता है सिर्फ एक सेशन में भी हो जाए ठीक है तो दैट्स uh, तो ये है ठीक है ठीक थैंक यू चलिए गाइस अब मैं uh, चलता हूँ और uh, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा सॉरी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं ले रहा आप लोग मुझे फेसबुक पे दे दीजिए क्वेश्चंस uh, तो मैं देख लूंगा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम ठीक है अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू ऑल